दिखाई दे रही है स्क्रीन? जी आ गई आपके स्क्रीन। जी सर, ये आपने मैं लिख ली ना, जैसे आपने लिखा था फर्स्ट क्लास मैंने देखी ना, हाँ तो उसके बाद ना मैंने यहाँ पे एंटर किया। ये ऐसे ही लिखा होते जा रहा है और चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है। कोडिंग मैंने करी है, कोडिंग दिखाऊंगा आपको सर। जी कोडिंग दिखाएं प्लीज। ये सर, ये मैंने कोडिंग करी है। हाँ अच्छा इंटेंट मैंने बनाए थे, जैसे आपने बताया था ना इंटेंट बनाने, जी। ये वर्क एक्सपीरियंस का बनाया था, एक नेम इंटेंट बनाया है, ये सब लिखा अच्छा है आप जी। क्या ये कर सकते हैं कि आप जो है ना ये पूरी कोडिंग आप दोबारा से करें एक दफा मेरे सामने, ऐसा कर सकते हैं आप क्या? अच्छा ये कोडिंग दोबारा से करूँ सर? ये जो है ना, मैंने आपकी जो मतलब जो ओरिएंटेशन वो क्लास थी ना, उसमें से देख देख के करी है ना कोडिंग। नया नया वो बनाऊंगा स्किल, वो फिट होती नहीं बनाऊं। मैं असल में समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है। ये सलील के पास भी ये प्रॉब्लम आया था, किसी अच्छा एक और के पास भी आया था, ये आपके पास भी आ रहा है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि एक बार ना आप ये पूरा जरा अभी बनाकर दिखाएं ताकि मैं आइडेंटिफाई कर दूं कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की है। वैसे तो कोड में बजायर कोई मिस्टेक नहीं लग रही, मुझे ठीक ही लग रहा है सब जी कुछ। सर। सर ये इंटेंट जो बनाया है, ये इसी को मतलब मैं कॉपी करके उसमें डाल दूँ, कोई इशू तो नहीं है? मतलब ये जो इंटेंट मैंने बनाया है, ये जो है लाइन, इसको कॉपी करके आपने बना कितने इंटेंट दूँ बनाए अभी? एक ही बनाया ना? जी? मैंने ना दो इंटेंट, एक तो नेम का इंटेंट बनाया है, एक एक्सपीरियंस का बनाया है ना, जैसे आपने उस दिन बताया था ना, वैसे मैंने आप बनाया नई स्किल क्रिएट करें, मैं अभी फिलहाल इसमें से कुछ कॉपी ना करें, आप नई स्किल क्रिएट तो करें जरा। है। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी प्लीज जरा देखें, जिनके पास ये इशू आ रहा था ना वो प्लीज इनको देखें कि ये क्या कैसे कर रही है, ताकि आपने भी अगर कहीं कोई मिस्टेक की हो तो आपको पता चल जाए। क्योंकि मैं तो दोबारा करके दिखाऊंगा तो वो बात वही हो जाएगी, उससे बेहतर है आप मेरी पुरानी वीडियो देख लें। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप कोई दूसरा स्टूडेंट करें ना, ताकि मैं देखूं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। मैंने जो किया था, मेरा स्किल ओपन हो रहा था, लेकिन ओपन होने के बाद पहला जो वेलकम इंटेंट हिट होना चाहिए था, हेलो या फिर यू नो, मैं उसके ऑप्शंस वेलकम इंटेंट में ले रहा था, वो नहीं हुआ। सही। एक आप गूगल पे जाकर लिखें अलेक्सा स्किल किट। ये सर गूगल पे ही, ये गूगल पे ही लिखा हुआ है सर, नहीं, आप दोबारा लिखा गूगल पे हुआ लिखें अलेक्सा स्किल किट। है। अच्छा दोबारा लिखना, चलेंगे। अच्छा ये जो पहला लिंक आया इसमें जाएं आप, जी कॉन्सोल आ गया ना ये सामने, कॉन्सोल जी ये बिल्कुल सही आ गए हैं आप। जी अब ये न्यू अच्छा क्रिएट हाँ करा मैंने क्रिएट नहीं हो करते जी। जी। अब इसमें मैं लिख लेती हूँ क्लास, ये लिख लेती हूँ क्लास, ये सब सही है। टाइम ले रहा है हाँ ये थोड़ा सा लेता है टाइम। बाकी और किसी से बन पाया था? यस सर, बन गया था।
जिनसे बन गया उनका हम थोड़ी देर में उनका भी देखते हैं कि उन्होंने क्या बनाया। पहले तो ये जरा जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो देखते हैं। और आप लोग कोशिश किया करें ना कि जो भी आप क्लास में पढ़ाया जाए ना उससे ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश किया करें, कुछ बना के लाने की कोशिश किया करें। जैसे मैंने तो एक तौर एक मतलब एक अपने तौर पे कह दिया ना कि आप रिज्यूम टाइप का बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिमिट हो जाएंगे। आपसे जो बन पड़े आप वो बनाएं और आप यहाँ पे ला के दिखाएं ताकि मुझे भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ताकि जो है ना मुझे भी आपको अप्रिशिएट करने का मौका मिले और जो दूसरे क्लास में लोग देख रहे हैं तो वो भी आपके काम को देखकर मोटिवेट हो और अच्छा करने की कोशिश करें। सर मैंने भी बना लिया। गुड यार। सर ये दो ही क्वेश्चन डाल दूं ना, बस कोई इशू तो नहीं है ना इसमें? हाँ दो भी गुड नफ है, दो भी सही है। जो इंटेंट्स का जो है ये NLP का मॉडल बन रहा है, तो जब इंसान बात करेगा तो अलेक्सा समझ पाएगा। फिर हम जो कोड में लिख रहे हैं वो लैम्डा फंक्शन है कि भाई ये जब समझ के कुछ बात करेगा तब उठा के क्या मैं लेके आ रहा हूँ आपके, वो लैम्डा फंक्शन हम कोड पे लिखते हैं। सही है ना, मैं सही कह रहा हूँ? वर्क ईएक्सपी इंटेंट कितना लंबा ईएक्सपी स्पेलिंग डजंट मैटर, जो भी आप लिखे यहाँ पे स्पेलिंग से फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग से फर्क पड़ेगा राइट, ये सैंपल एंट्रेंसेस जो है ना यहाँ पे स्पेलिंग से फर्क पड़ेगा। यहाँ पे ना सिर्फ वर्क ईएक्सपी लिख दो और एक एंटर मार दो यहाँ पे और एक वर्क ईएक्सपी लिख दो। अच्छा देखें अरीबा, ये प्रॉब्लम ना बहुत सारे लोगों के साथ होती है स्पेलिंग की, मैं भी बहुत वीक हूँ स्पेलिंग में राइट। तो मेरा जो इसका करने का तरीका है ना, आप एक्सपीरियंस को कॉपी करें, ये जो एक्सपीरियंस लिखा है आपने इसको कॉपी करें, अच्छा कॉपी कर लें इसको आप और कंट्रोल टी दबाए, कंट्रोल टी प्रेस करें, हाँ टी टी फॉर टैबलेट और पेस्ट कर दें यहाँ पे और एंटर कर दें। सही है, ये आ गया, इसका मतलब है आपकी स्पेलिंग सही है। ठीक है, इसको कंट्रोल W कर दें, कंट्रोल W करने से वो बंद हो जाएगा, बंद हो गया, ये वापस आप उसी जगह पर आ गए। तो ये ना क्विकली मैंने अपने हाथ पे ना सेट किया हुआ है, तो जब भी मुझे स्पेलिंग की मिस्टेक होती है ना तो मैं ये करता हूँ, आपने मुझे क्लास के दौरान भी ये करते हुए देखा होगा। ठीक है, तो बाकी लोग भी तो देख रहे हैं, तो स्पेलिंग को जल्दी से वेरीफाई करने का एक तरीका है ये। नंबर दो बात, एक जो है ना एक्सटेंशन है ग्रामली के नाम से, ठीक है ग्रामर और ली, वो भी काफी अच्छा रहता है इस चीज को लेकर, तो अगर वो भी आप इंस्टॉल कर पाए तो बहुत सारी जगहों पे टेक्स्ट फील्ड में वो ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर रहा होता है। अच्छा ये यहाँ पे लिखो व्हाट आर यू डूइंग, ये भी हो सकता है। हाँ व्हाट आर यू, आप क्या करते हैं जो भी क्या हो जाएगा आपको WRK work dot space WORK work space exp मतलब कोई शॉर्ट में अगर लिखता है exp, अगर टेक्स्ट मैसेज से कोई बात कर रहा है तो ये उसके लिए काम आ रहा है, करने के लिए आसान कर रहा हूँ मैं। exactly. अच्छा गुड है ना, हाँ तीन तीन हमने लिख दिए काफी है, सेव कर दें उसको। अच्छा सेव मॉडल बिल्ड मॉडल इसीलिए हम कर इसीलिए रहे ताकि जो भी मिस्टेक्स आप करें वो या कोई दूसरा कर रहा हो तो उसको पता चल जाए, बस कोई इसमें वो वाली बात नहीं है।
सेम मॉडल अभी क्रिएट हो रहा है, तब तक आप कोड को नए टैब में कोड कोड को कोड को ना मैं नए टैब में खोल देती हूं। अच्छा ये जो था ना ये सर ने जैसे करेक्ट किया था, वेलकम वर्जन अरिबा मेमन के बाद डॉट आएगा ना, अरिबा मेमन के बाद फुल स्टॉप आएगा। अच्छा वो जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं वैसे, क्योंकि ये कंप्यूटर ना इसको एक स्पीक के टैग में अंदर डालता है, जेसन बना के ऑब्जेक्ट ले गया था और वैसा आपसे बात करता है। ये जो आपका कॉमा फुल स्टॉप जो होता है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे वो समझ लेता है कि भाई इसको क्या करवाना है, लैंग्वेज में कैसे बात करानी है, ये वो समझता है। अच्छा सलील ने बिल्कुल सही कहा कि जहां पे हम डॉट लगाते हैं ना वहां पे कंप्यूटर ना एक सेकंड के लिए स्टॉप होता है बोलते हुए और उसके बाद आगे की बात कहता है, एलेक्सा के अंदर ऐसा है। लेकिन ये चीज इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, अभी तो फिलहाल अगर अभी मैटर नहीं करता ये, लेकिन इंशाल्लाह हम कुछ ही टाइम के बाद इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे पूरा समझेंगे। गुड प्रैक्टिस अगर अभी से आप करते हैं तो गुड प्रैक्टिस, बट हम ये डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि जो है करेंगे अभी तो हाथ ही हमारा जो है ना मतलब बैठ जाएगा एक तरीके से। हाँ अभी से अगर करें तो ठीक है, अदरवाइज कोई मसला नहीं, वरना ऐसा होगा कि फिर बाद में मसले होंगे ना इसके अंदर। सही है तो हमने हेलो हेलो वर्ल्ड के इंटेंट हैंडलर को चेंज नहीं किया था, दो दो नए इंटेंट बनाए थे बस। इंटेंट को उसको ये नेम इंटेंट बनाया ना मैंने, ये वाला एक ये बनाया है और उसके बाद हाँ इसको भी चेंज करना है आई थिंक। अच्छा फंक्शन के बाय द वे फंक्शन के नाम को अगर आप चेंज ना भी करें तो मसला नहीं है, क्योंकि जो लाइन नंबर 22 में आपने फंक्शन का नाम लिखा हुआ है ना नीचे वही पास होना जरूरी है, अगर करते तो सही है क्योंकि नाम रेलेवेंट होना चाहिए फंक्शन का, बट फंक्शन के नाम मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है लाइन नंबर 25 में जो बात लिखी हुई है ना वो मैटर कर रही है, जो लाइन नंबर 25 में लिखा हुआ है ना नेम इंटेंट, ये जो आपने ट्रिपल इक्वल्स के बाद लाइन नंबर 25 में जो नेम इंटेंट लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली मैच करना चाहिए जो आपने अपने इंटेंट का नाम रखा है, दैट्स ऑल। जी जी सही। सो मॉडल में जो सॉरी आपकी आवाज कट रही थी, तो जस्ट टू कंफर्म मॉडल में जो हमने इंटेंट लिखा है वो हमें लाइन नंबर 25 के गेट इंटेंट नेम में पास करना है। एग्जैक्टली लाइन नंबर 25 में जो नाम है नेम इंटेंट लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली मैच होना चाहिए आपके इंटेंट के नाम से जो मॉडल में। ऑन अदर एंड लाइन नंबर 22 में जो फंक्शन का नेम था वो अगर कुछ और भी हो तो मसला नहीं है, बट उसके लिए क्या जरूरी है कि जो लाइन नंबर 22 में जो नाम लिखा हुआ है लास्ट में ना इसी कोड के लास्ट में इस फंक्शन को पास किया हुआ है एक जगह पर, तो वहां पे सेम होना चाहिए, जस्ट दैट्स ऑल। तो अभी हम फिलहाल फंक्शन के नाम को चेंज नहीं कर रहे हैं, हाँ इसको कॉपी करके डुप्लीकेट कर ले। एग्जैक्टली जी यहाँ पे मैं वर्क इंटेंट बना लेती हूँ, एक्सपीरियंस आई थिंक अन क्या नाम था WORKEXP हाँ चेक कर लूँ ना असल में फिर पुस्ता नहीं होगी। नहीं नहीं ये तो बात सही है, अच्छा यहाँ इसको भी चेंज कर देते हैं जी, और नीचे वो हमें वैसे हमें छोटा ही लेती हूँ बाकी ये इसको नीचे कॉल करना होगा ना। एग्जैक्टली ये जी ये कॉपी करते हैं।
जैसे हम रिएक्ट में करते हैं नीचे इंटेंट हैंडलर रह गया ना। ये इसको मैंने सेव कर दिया, अब डिप्लॉय कर देती। यार अरीबा माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही बना दिया, मतलब आपने बगैर कहीं से देखे खुद से कोड लिख लिया। इसका मतलब ये है कि आपने ये कोड पहले भी अपने हाथ से लिखा था एक दफा। तो आप सब लोग जो भी क्लास में मौजूद हैं और अरीबा आप खुद भी, आप फर्क देखें कि आपने एक बार अपने हाथ से लिखा ना तो आपका हाथ सेट हो गया इस पर, आपको कहीं से देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त कर लिया और जल्दी से किया आपने। बिल्कुल अच्छा। अरीबा मेमन आपने इनवोकेशन सेट नहीं किया शायद? इनवोकेशन नेम आपने अलग रखा है ना, आपने ये अलेक्सा क्लास या ऐसे कुछ इनवोकेशन नाम? अच्छा अच्छा, जो नाम मैंने रखा होगा उसी से ही कॉल होगा। एक बार नाम रखा ना सर ने, बाद में नाम भी चेंज किया था आई थिंक सो, है ना? हां मैं यही कह रहा हूं, इनवोकेशन में जाके, इनवोकेशन में जाके, इनवोकेशन में जाके ना इसको आपको जो भी रखेंगे वो नाम होगा। अच्छा इसका नाम आप अरीबा मेमन नहीं रखें क्योंकि एक पहले से भी है ना, तो इसका कुछ और नाम रखें। वो सम असल में जो ये वाली जो स्किल है ना, इसका इस वक्त आपने टेस्टिंग इनेबल की हुई है। आपने देखा था जब टेस्टिंग पे गए आप तो वो लिखा हुआ था टेस्टिंग किस पे करनी है, तो वो ऑफ करना, मतलब ऑफ वो खुद ही हो जाता है थोड़ी देर के बाद अगर आप कुछ ना करें। तो वो दो हमारी स्किल है ना, दोनों की टेस्टिंग इनेबल है और दोनों का सेम नाम होगा तो शायद कॉन्फ्लिक्ट करे, तो उसका नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा तो मैं स्पेलिंग चेंज कर देती हूं, इससे तो कोई मतलब वो नहीं होगा ना। हाँ स्पेलिंग चेंज कर दो। स्पेलिंग चेंज कर दी, ये बार ऐसे लिख दिया मैंने टू वर्ड्स। अच्छा ये लिखा हुआ है कि टू दो वर्ड्स, दो दो लव्स चाहिए उसे। ए आर लिख देती नहीं, अरीबा और मेमन ऐसे करके दो वर्ड, अलग अलग लव्स चाहिए, दो उसको मतलब वर्ड चाहिए। हाँ अच्छा ये मैंने इसको सेव कर लिया। अच्छा ये बनने में बहुत टाइम लेता है, ये सम टाइम ये कुछ ज्यादा टाइम भी ले लेता है, लेकिन ये बिल्ड होता है ना जब, तो एक्चुअली वो पीछे मॉडल ट्रेन करता है ना एआई का, तो इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम लगता है भी है। अब ये जितना आपका बड़ा होता जाएगा ना, स्केल आपकी जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी, ये टाइम उस तरह बढ़ता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सही, अब मैं दोबारा से ना इसको स्टार्ट करती हूं, रिफ्रेश करके करती हूं। अच्छा जब भी आप ना बिल्ड चलाएं, ठीक है, तो ये आपने रिफ्रेश इसको करना है क्योंकि इसमें ना ग्लिच है, ये अलेक्सा स्किल किट में ग्लिच है, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। अरे यार ये क्या हुआ, आप लॉग आउट हो गए? यही लेकिन इसमें ना आपको क्या करना होता है इसका, नहीं नहीं ये असल में कुछ पीछे ना सेशन, ये भी ग्लिच है इसका भाई, दे ऐसा होना नहीं चाहिए, दिस इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर, ये ग्लिच है। सही है, इसको ना आप एक काम करें, लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करें और उसमें ना कीप मी लॉग इन का एक चेक होगा, उस पर चेक लगा दीजिएगा। अच्छा यहीं से लॉग आउट कर लें? बिल्कुल बिल्कुल यहीं से कर लें। ये ना इसका ग्लिच है कि कभी कभी ये खुद से लॉग आउट हो जाता है, बाकी चीजें चलती रहती हैं और कुछ चीजें चलना बंद हो जाती हैं, ये ग्लिच है इसका। क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी नया प्लेटफॉर्म है, ये इतना भी नया नहीं है मतलब, लेकिन भाई मसले हैं इसके अंदर और गूगल असिस्टेंट में इससे ज्यादा मसले हैं। अरे क्या बात है, अच्छा अब करें दूसरा नेम वाला ट्राई करें। क्या बात है, व्हाट इज माय वर्क एक्सपीरियंस, व्हाट इज माय वर्क एक्सपीरियंस। माइक दबा के रखें फिर बोले। हाँ माइक को प्रेस होल्ड करके रखें। अच्छा ये बोलना व्हाट इज माय वर्क एक्सपीरियंस। हाँ
कि वहां पे टाइप कर सकते हैं वर्क एक्सपी ई एक्सपी। अच्छा जो आपने बताया था डब्ल्यू ओ आर के डब्ल्यू ओ आर माइक से भी टेस्ट कर लें आप, ये इसने बता दिया सही। ओह आपने स्पेलिंग गलत लिखा डब्ल्यू ओ आर के ई एक्सपी। और ये शो जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये कि यहाँ पर ना टाइप करने का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि टाइप करके भी आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अलेक्सा जो है ना वॉइस फर्स्ट है राइट, हम जैसा कि कल बुक में पढ़ रहे थे कि अलेक्सा जो है वो वॉइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, इसका जो प्राइमरी मीडियम है वो बोल के टेस्ट करने वाला है ना, तो हमें हमेशा इसको माइक के जरिए टेस्ट करना जरूरी होता है। ठीक है ये जस्ट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि किसी को भी अगर कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। अच्छा तो माइक को ना होल्ड करके आपको लाजमी टेस्ट करना है। अच्छा सेकेंडरी इनकी जो मोबाइल ऐप है जो आप सब लोगों ने इंस्टॉल भी कर ली होगी मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक, तो वो उस मोबाइल ऐप में ना इन्होंने ये लिख के करने वाला ऑप्शन भी दे दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। अदरवाइज जो अलेक्सा की डिवाइस है उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है बोल के, और अलेक्सा की जो मोबाइल ऐप है ना जो मोबाइल में इंस्टॉल है उसमें दोनों ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है तो इसी वजह से सिमुलेटर में दो है। समटाइम आपको लगता होगा कि यार सिर्फ जब बोल के बात होती है तो लिखने का ऑप्शन क्यों है, तो लिखने का ऑप्शन इसी वजह से है कि इनकी मोबाइल ऐप में लिख के भी बात कर सकते हैं। अच्छा तो गुड यार चल गया ये आपका तो सर थैंक यू, ये तो माशाल्लाह हो गया। हाँ आप देखिए इंशाल्लाह इससे पहले आपने हो सकता है कोई किया हो प्रॉब्लम, लेकिन इस दफा आपने बिल्कुल सही कर लिया माशाल्लाह। ठीक है चलें गुड सर, वो लॉगिन साइन इन का मसला था। अच्छा साइन इन का मसला था, ठीक है सिर्फ साइन इन का मसला था सर जी। थैंक यू सर। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस सर आ रही है मेरी आवाज सही आ रही है, ब्रेक वगैरह तो नहीं आ रही है, हल्की सी ब्लर्ड है लेकिन आ रही है। अच्छा अच्छा तो मैं चलता हूँ। आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है, ब्लर्ड है लेकिन। कल वाला जो हमने डेमो बनाया था यानी लास्ट से लास्ट क्लास में, उस पर मैंने क्लिक कर दिया और उसके अंदर जा रहे हैं अब हम। अच्छा जी खुलने में थोड़ा सा अच्छा जी, इन्वोकेशन नेम हमने क्या रखा था इंजमाम मलिक, ये हमने नाम रखा था। अच्छा और हमने इंटरेक्शन मॉडल में क्या तैयार कर लिया था, हमने दो इंटेंट बना लिए थे। अच्छा ये वेलकम मैंने शायद गलती से बना दिया था, ये वेलकम की हमें जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कैसे कर सकता हूँ मैं। असल में वेलकम इंटेंट ना जो डायलॉग फ्लो में बनाने की जरूरत होती है गूगल असिस्टेंट वाला जो है, तो मैं बैक एंड फोर्थ क्योंकि दोनों पे काम करता हूँ तो मेरे जहन में शायद वो था, तो इसलिए मैंने एक वेलकम इंटेंट भी बना दिया था, अदरवाइज इसमें वो बनाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा नेम इंटेंट में चलते हैं। अच्छा नेम इंटेंट में जाने के बाद यहाँ पे ना हम बुक खोल लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें ऐसी डिस्कस की थी कि भाई ये वाली चीजें तो करके देखने वाली चीज है जो बुक में हमने देखा था, तो हम वही चीजें करते हैं। तो जरा बुक में वापस चलते हैं ताकि हमें वो सीक्वेंस याद आ जाए कि वो कौन सा सीक्वेंस था जो हम बुक से फॉलो करना चाह रहे थे। अच्छा जी बुक्स, चैप्टर नंबर वन, एनाटॉमी, इंटेंट, ट्रेनिंग और प्लकिंग द पर इंटेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा तो अब हम आ जाते हैं इंटेंट के ऊपर राइट। अब हम बुक से इंटेंट को पढ़ते हैं और साथ साथ इंटेंट को हम मेरी दूसरी स्क्रीन पे यहाँ पे मौजूद है ये यहाँ पे उसको हम देखते भी जाते हैं। ठीक है तो मेरी एक स्क्रीन पे बुक है और मेरी दूसरी स्क्रीन पे ये कॉन्सोल खुला हुआ है, तो हम इन दोनों को देखते जाते हैं साथ साथ।
अच्छा ये कोई आपकी स्क्रीन कोई अपडेट नहीं हो रही है, अनाडोबी वॉइस स्पीच 9 पे अटकी हुई है इसकी। अच्छा मेरी स्क्रीन पे अभी 1.3.4 इंटेंट आर फंक्शंस ऑफ अ स्किल ये खुला हुआ है मेरे पेज पे भी। हाँ ये खुल रहा है, सही दिख गया। अच्छा इन्होंने लिखा है कि व्हेन यू से योर स्पाउस विल यू प्लीज टर्न ऑफ योर द लाइट ऑफ द किचन व्हेन यू गो टू बेड। कह रहे हैं कि आपने अपने घर में किसी से बोला आप कि भाई किचन की ना लाइट बंद कर देना। अच्छा व्हाट डू यू वांट टू हैपन कि आप क्या चाहते हैं कि भाई वो ऑब्वियस काम है वो हो जाए। ठीक है वी हैव ट्रेन्ड ऑल आवर लाइव्स विद दिस कन्वर्सेशन। एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अपनी जो पूरी जिंदगी वो कन्वर्सेशन के हिसाब से की हुई है कि मिसाल के तौर पे हम पानी चाहिए होता है हमें, हम कहते हैं यार जरा मुझे पानी दे दो। ठीक है तो अगर कोई वहां पानी के पास खड़ा हुआ है तो मुझे लाकर दे देता है वो। ठीक है समटाइम क्या होता है कि मिसाल के तौर पे पानी तो वैसे खुद ले लेना चाहिए मिसाल के तौर पे मुझे अगर कोई मेरा दोस्त आ रहा है नीचे से ऊपर मुझसे मिलने आ रहा है तो मैं उसको कहता हूँ यार एक कैन पकड़ देना पेप्सी की तो वो लेता हुआ आ जाता है। ठीक है तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे से बोल के करते हैं। अच्छा वन वे टू गिव वॉइस फर्स्ट डिवाइस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थ्रू द स्किल और द एक्शन दीज कैन बी थ्रू ऑफ एज एप्स एक्सटेंड द डिवाइस। अब ये इसने काफी लंबी थ्योरी लिखी हुई है। अच्छा पॉइंट इसका टोटल बताने का ये है कि आपका जो एक इंटेंट होता है ये पूरी दास्तान सुनाने का मतलब इसकी है कि एक इंटेंट जो होता है आपका वो एक फंक्शनैलिटी होती है आपकी ऐप की। हमने शुरू में ये बात देखी थी बिल्कुल जब हम HTML पढ़ रहे थे JavaScript जब हम पढ़ रहे थे कि कोई भी एप्लीकेशन जो होती है दुनिया की कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसका सिंपल सा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि यूजर से कोई ना कोई इनपुट लेना और यूजर से कोई ना कोई इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करना और कोई ना कोई आउटपुट देना। ठीक है ये तीन ही काम हो रहे होते हैं चाहे आप दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देख लें ये तीन काम उसके अंदर हो रहे होते हैं। अच्छा तो अगर हम एक मोबाइल ऐप की मिसाल लें एक मोबाइल ऐप की मिसाल हम ये ले सकते हैं कि बैंक की एप्लीकेशन आपने खोला मिजान बैंक की ऐप आपका आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाह रहे हैं कि भाई इसमें अभी पैसे कितने आ चुके हैं सो। अच्छा तो आपने मोबाइल फोन निकाला आप उसको लॉग इन करते हैं उसने आपसे इनपुट लिया। ठीक है लॉग इन का मतलब है आपका अकाउंट आप उसको बताएंगे कि मेरा अकाउंट है कौन सा तो आप जब तक लॉग इन नहीं करेंगे उसको पता नहीं चलेगा। तो आपने उसको अपना अकाउंट बताया ये मेरा अकाउंट है पासवर्ड बताया उसने आपको उस पीछे ले जाके कॉम्पेयर किया कि हाँ भाई इस बंदे का अकाउंट इस नाम से है भी या नहीं ये प्रोसेसिंग हो गई और आउटपुट आपने उसको आपका अकाउंट बैलेंस दिखा दिया। तो ये तीन चीजें हो गई। ठीक है अच्छा तो ये एक फंक्शनैलिटी थी तो हर एक फंक्शनैलिटी में ना ये तीन काम होंगे। ये एक फंक्शनैलिटी थी कि बैलेंस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये इनपुट देना पड़ेगा उसको वो प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट लाके दिखा देगा। अच्छा इसी तरीके से बैंक की एप्लीकेशन में कुछ और भी फंक्शनैलिटी हम डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या फंक्शनैलिटी होती है। एक फंक्शनैलिटी ये होती है कि किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं आप राइट तो एक ये भी फंक्शनैलिटी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है एक इनपुट देना पड़ता है उस इनपुट को प्रोसेस करता है वो और आपको आउटपुट कुछ ना कुछ दिखा देता है। अच्छा क्या है वो पहला इनपुट इनपुट पहला ये है कि किस बंदे को भेजने हैं और कितने भेजने हैं ये इनपुट आपको देना पड़ेगा राइट। अच्छा फिर उस इनपुट को वो प्रोसेस करेगा। ठीक है अच्छा प्रोसेसिंग में क्या होगा कि अच्छा भाई इतने पैसे अकाउंट में है भी या नहीं है ये अकाउंट नंबर जिसका दिया है वो वैलिड है भी या नहीं है। ठीक है ये सारी प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग के दौरान ही उसको वो ट्रांसफर भी कर देगा पैसे। अच्छा तीसरा नंबर आपको आउटपुट दिखाएगा वो आपका नया बैलेंस। ठीक है आउटपुट में आपको दिखा देगा और ये दिखा देगा कि भाई ठीक है चला गया आपने जो भेजना चाह रहे थे जो पैसे वो चले गए फला बंदे को। तो ये तीन देखें हर हर टास्क परफॉर्म करने के पीछे ये तीन काम हो रहे हैं। अच्छा इसी तरह बैंक की एप्लीकेशन की हम कोई एक और फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट चाहिए मिसाल के तौर पर तो मोबाइल ऐप में उसका भी एक फीचर मौजूद है। आप गए मेन्यू में आपने कहा भाई अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट अकाउंट स्टेटमेंट। अच्छा तो आपने वो जैसे ही बटन प्रेस किया आवाज कट गई है जी सर ओके
मलिक भाई आपको यार मेरा मेरा इसने माइक पता नहीं कैसे म्यूट कर दिया खुद से। ये मेरे वजह से कुछ हुआ होगा, मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के साथ फकअप कर रहा था, सॉरी। ओके ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा तो हमने मोबाइल ऐप के ना दो फंक्शनैलिटी को डिस्कवर किया, राइट? अच्छा वो दो फंक्शनैलिटी क्या थी हमारी मोबाइल ऐप की जो हमने डिस्कवर की? नंबर एक जो था वो के अकाउंट का बैलेंस आप देखते हैं जब, तो हमारी तीन चीजें हो रही होती हैं अकाउंट का बैलेंस देखते वक्त। एक इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। फिर इसी तरह अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, ये एक अलग फंक्शनैलिटी है, एक अलग टास्क है ये। इसके लिए भी वही तीनों काम हो रहे होते हैं कि आपसे वो इनपुट लेता है कि किसको पैसे भेजने हैं, कितने भेजने हैं, उसको वो प्रोसेस करता है पीछे फिर, और आपको आउटपुट दिखा देता है कि पैसे सेंड हो गए, चले गए। तो ये तीन काम हर फंक्शनैलिटी के साथ हो रहे हैं। अच्छा हम एक तीसरी फंक्शनैलिटी देखने जा रहे थे अकाउंट स्टेटमेंट का, तो उसमें भी आप क्या करते हैं, बटन प्रेस करते हैं कि भाई जनरेट अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है? वो पीछे अकाउंट स्टेटमेंट डेटाबेस से जाके प्रोसेस करता है और आपको लाके दिखा देता है कि आपकी जो ईमेल का इनबॉक्स है उसमें हमने ये भेज दिया है। तो देखें इसमें भी तीन काम हुए। वॉइस एप्लीकेशन के अंदर भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ना यही तीन काम होते हैं, क्योंकि वॉइस एप्लीकेशन एट द एंड है तो सॉफ्टवेयर, ठीक है? सारे वही तीन काम इसके अंदर भी होंगे। अच्छा तो वो क्या है, इन्होंने बुक में लिखा है कि इंटेंट आर द फंक्शंस ऑफ अ स्किल। स्किल यानी अलेक्सा की ऐप को स्किल कह रहे हैं, ठीक है? अलेक्सा की ऐप को असल में स्किल कहते हैं, ठीक है? इन्होंने ये नाम रखा है, वैसे तो कोई स्किल कोई नाम ढंग का नहीं लगता मुझे तो, लेकिन स्किल कहते हैं इसको ये। तो ये कह रहे हैं कि अलेक्सा की ऐप के अंदर एक इंटेंट एक फंक्शनैलिटी है। अच्छा तो हमने अभी तक दो इंटेंट बना लिए, अभी जो अरीबा ने ऐप बनाई थी हमारे सामने उसमें दो इंटेंट उन्होंने बनाए थे, व्हाट इज माय नेम और व्हाट इज वर्क एक्सपीरियंस, ये दो इंटेंट बनाए थे। अच्छा बंदे ने ना ऐप ओपन की, ऐप ओपन की बंदे ने, और ऐप ओपन करने के बाद बंदे ने क्या बोला कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है? ये बोल दिया। अच्छा व्हाट इज योर नेम जैसे ही आपने बोला तो असल में आपने ये इनपुट दिया एक कदम, ठीक है? पीछे कोडिंग की हुई है आपने उसके अगेंस्ट, वो कोडिंग में वो प्रोसेस हुआ जाके कि व्हाट इज योर नेम का जवाब क्या होना चाहिए, और वहां से एक जवाब आपको आउटपुट के तौर पे मिल गया, ठीक है? अच्छा तो हमारे अलेक्सा की स्किल में जितने फंक्शनैलिटीज होंगी उतने इंटेंट होंगे, एक इंटेंट को एक फंक्शनैलिटी के तौर पे समझना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम अलेक्सा के ऊपर एक बैंक की एप्लीकेशन बनाते हैं अगर, ठीक है, तो उसमें एक इंटेंट होगा बैलेंस चेक करने के लिए, बंदा आके बोलेगा यार व्हाट इज माय अकाउंट बैलेंस, ठीक है? उसके बाद पीछे जाके वो प्रोसेस होगा और आपको अकाउंट का बैलेंस रिस्पॉन्स में आ जाएगा। अच्छा इसी तरह बंदा कहेगा कि यार मुझे जो है ना किसी को पैसे भेजने हैं, आई वॉन्ट टू ट्रांसफर सम अमाउंट, तो वो फिर आपसे पूछेगा कि यार कितने पैसे भेजने हैं, जिस बंदे को भेजने हैं उसका आप अकाउंट नंबर बताओ, फिर वो प्रोसेस, ये इनपुट कंप्लीट हो गया, उसके बाद प्रोसेस करेगा वो, और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट लाके दिखा देगा कि ठीक है जनाब हमने इसको भेज दिए या फेल हो गया भेजना, जो भी आउटपुट हुआ उसका वो दिखा देगा। तो एक इंटेंट जो होता है वो क्या होता है, एक स्किल होती है, एक फंक्शनैलिटी होती है हमारी। अच्छा तो अब हम आते हैं यहाँ पे और हम अपने इंटेंट के अंदर ना देख लेते हैं कि इनपुट लेने के इसमें क्या क्या तरीके मौजूद है। अच्छा ओके अच्छा एक इंटेंट को हम शुरू से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। एक इंटेंट का नाम है इसमें, ये नाम इंटेंट का कैसा होना चाहिए, ये नाम इंटेंट का ऐसा होना चाहिए कि क्या कहते हैं रेलेवेंट हो, सही है? रेलेवेंट नाम होना चाहिए, बट इसकी स्पेलिंग में आप कुछ भी लिखें वो मैटर नहीं करता, आप इसमें जो भी लिखेंगे ना आपको एग्जैक्टली उसी नाम से पीछे मिलता रहेगा ये, लेकिन स्पेलिंग मैटर नहीं करती, नाम क्या रखा है आपने वो मैटर नहीं करता, और ना ये नाम किसी को नजर आएगा, एज अ यूजर कभी भी कोई इस नाम को देख नहीं सकता। अच्छा फिर उसके बाद है सैंपल अट्रेंसेस। सैंपल अट्रेंसेस क्या चीज है कि बंदा क्या ऐसी बात बोले तो ये फंक्शनैलिटी एक्टिवेट हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बैलेंस चेक, ठीक है, कि बंदा अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाह रहा है, तो मैं यहाँ पे ना ऐसी बात लिखूंगा कि व्हाट इज माय अकाउंट बैलेंस,
ठीक है, प्लीज टेल मी माई अकाउंट बैलेंस, इस तरह की क्या वो बात है जो बंदा बोले तो हमें समझ जाना है, यानी इंटेंशन की बात होगी, ठीक है, कि बंदे की इंटेंशन पता चल जाए, ऐसे जुमले यहाँ पे लिख देंगे हम। अच्छा, यहाँ पे हमने 3 लिखा हुआ है, ये जैसे ही सेव करते हैं उसको बिल्ड करते हैं, ये पीछे ना मजीद, क्योंकि AI लगी हुई है इनके पास पीछे, तो ये मजीद इस तरह के ना बहुत सारे जुमले जनरेट कर लेता है पीछे, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मिनिमम आप ना 4-5 इसमें जुमले लिख दें, ठीक है, 3-5 सेंटेंसेस आप लिख दें इसके अंदर, और बाकी के वो पीछे खुद से जनरेट कर लेगा। तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि मैंने ये 3 जुमले लिखे हैं, अगर मैं इन 3 जुमलों के अलावा किसी चौथे अंदाज में भी इसको कहूंगा तो ये इंटेंशन मेरी समझ जाएगा, राइट। अगर 1-2 वर्ड मैंने आगे पीछे करके बोला तो भी इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भी ये मेरी बात को समझेगा। अच्छा, उसके बाद है डायलॉग डेलीगेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ये डायलॉग डेलीगेशन स्ट्रेटजी जो है ये क्या चीज है, ये हम जब हम कोडिंग, जब हम इनपुट लेना शुरू करेंगे ना यूजर से, तो हमें इसको उस टाइम पे देख लेंगे, क्योंकि अभी ना ये समझ में नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद है इंटेंट के स्लॉट्स। स्लॉट्स क्या होते हैं कि जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि बंदे ने अपना अकाउंट बैलेंस पूछा, ठीक है। अब बंदे ने अपना अकाउंट का बैलेंस पूछा तो बंदा तो लॉग इन है, ठीक है, तो मुझे उससे कोई इनपुट नहीं चाहिए, ठीक है ना, कोई 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 पैरामीटर्स इनपुट नहीं लेने हैं मुझे। पूछेगा मेरा बैलेंस क्या है, मैं सामने से बता दूंगा, ठीक है भाई तू लॉग इन है, मुझे बैलेंस पता है, आपका अकाउंट से बैलेंस बता दिया मैंने। ऑन अदर हैंड, एक दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था जिसमें यूजर अपने दोस्त को पैसे ट्रांसफर करना चाह रहा है, राइट। तो जब वो बोलेगा कि यार आई वॉन्टेड टू ट्रांसफर सम अमाउंट, तो अब ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसमें मुझे यूजर से पलट के पूछना पड़ेगा कि भाई कितने पैसे भेजने हैं आपको, और जिस बंदे को भेजने हैं उसका अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है, ये बात मुझे पूछनी पड़ेगी उससे पलट के, उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर मुझे ये नहीं पता हो कि भाई किसको भेजने हैं और कितने भेजने हैं पैसे, तो मैं कैसे भेजूंगा फिर। तो इस तरह की जो फंक्शनैलिटी होती है जिसमें हमें यूजर से कुछ पैरामीटर्स इनपुट लेने होते हैं, तो हम इस स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अच्छा, तो एक स्लॉट एक इनपुट होता है मेरा, अभी हम इसको बना, सिर्फ मैं लगा के दिखा रहा हूं, इसको मैं चला के हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि भाई बैलेंस ट्रांसफर करते वक्त मुझे क्या चाहिए होगा, अकाउंट नंबर चाहिए होगा, रेसिपिएंट अकाउंट नंबर, ठीक है, रेसिपिएंट अकाउंट नंबर एक मुझे ये चाहिए होगा, ठीक है जी। दूसरा मुझे क्या चाहिए होगा, अमाउंट, ठीक है जी। तो ये मुझे दो चीजें चाहिए होंगी बंदे से, तो मैं यहां पे उसको डिफाइन कर दूंगा कि भाई ये दो चीजें मुझे यूजर से चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी मैं इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ, हम इसको दोबारा से हम करके भी देखेंगे, एक दफा हम एक कोई ऐसी ऐप सोच लेंगे अच्छी सी जिसमें ये चीजें हम कर पाए, तो अभी मैं फिलहाल के लिए इसको वापस से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये स्लॉट समझ में आ गया कि हम स्लॉट क्यों लेते हैं, जब हमें यानी कोई खास किस्म का टास्क है जिसमें हमें यूजर से बहुत सारे पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है, 1, 2, 3, 4 इसकी कोई लिमिट नहीं है बाय द वे, 10, 12, 15 जितने पैरामीटर आप चाहें यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है इंटेंट कंफर्मेशन। इंटेंट कंफर्मेशन क्या होता है कि जब भी जैसे आप कहते हैं कि भाई व्हाट इज माय अकाउंट बैलेंस, ठीक है, सामने से उसने आपको अकाउंट बैलेंस बता दिया आपका, राइट, बहुत सिंपल है ये। लेकिन कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी होती हैं जो परफॉर्म करने से पहले आपको यूजर से डबल चेक करना पड़ता है, राइट। तो उस तरह के कामों के लिए यहां पे ना आपको कंफर्मेशन इनेबल करेंगे आप, तो वो ऑटोमेटिक पीछे सेटअप कर देगा। कौन से ऐसे काम हो सकते हैं मिसाल के तौर पे जिसमें आपको डबल चेक करने की जरूरत है, मिसाल के तौर पे कोई चीज डिलीट कर रहे हैं आप पीछे से ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे होटल बुक किया बंदे ने, उसके बाद वो आके बोल रहा है प्लीज कैंसिल माई रिजर्वेशन, तो आपको ना डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। तो हमेशा इसके अंदर हम क्या करते हैं, डबल चेक लेते हैं, हम कहते हैं भाई के आर यू श्योर टू कैंसिल योर रिजर्वेशन, यू विल नॉट बी एबल टू स्टे इन द होटल, ठीक है, ऑन फला फला तारीख इफ यू कैंसिल, आर यू श्योर, ठीक है, पूरा जुमला हम बोलते हैं ताकि भाई पूरा जुमला यूजर को अच्छी तरह समझ आ जाए कि वो क्या करने जा रहा है। तो अगर बंदा बोलता है यस, तो फिर वो इंटेंट आगे बढ़ता है, अदरवाइज अगर बंदा नो कह देता है तो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो डबल चेक हमें कुछ चीजों में लगाना पड़ता है,
मिसाल के तौर पे जब मैं किसी को अमाउंट पैसे भी ट्रांसफर कर रहा हूँ तो जब मैं सारे इनपुट्स ले लूंगा कि किसको ट्रांसफर करना है, कितना ट्रांसफर करना है, उसके बाद मैं यूजर को एक बार ही पूरा पढ़ के बताऊंगा कि यू आर गोइंग टू ट्रांसफर 5,000 rupees टू योर फ्रेंड मोहम्मद आमिर, ठीक है, अकाउंट नंबर इतना इतना ऑफ मीजान बैंक, आर यू श्योर टू ट्रांसफर 5,000? अगर बंदा बोलता है यस तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, अगर बंदा बोलता है नो तो हम उसके लिए, अब ये कोडिंग में सारा कुछ हो रहा होगा, कोडिंग में ना हमारा इफ एल्स लगा हुआ होगा, अभी हम कोडिंग में जब जाएंगे तो वो चीजें हमें दिख जाएंगी, तो कोडिंग में इफ एल्स लगा हुआ होगा कि अगर बंदा यस बोलता है जब भी उसको प्रोसीड करेगा वो, अगर बंदा नो बोल देता है तो उसको हम डिफरेंट किस्म का आंसर दे सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने ना इंटेंट को पूरा ऊपर से नीचे तक देख लिया और हमने ये समझ लिया कि एक इंटेंट एक फंक्शनैलिटी होगी हमारी। अच्छा, तो अच्छा और हमने क्या सीखा कि हर फंक्शनैलिटी में हमें हर चीज की जरूरत नहीं है, कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी होगी जैसे कि नाम, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज मलिक, खत्म। कुछ ऐसा होगा जिसमें हम बोलेंगे शो मी माय अकाउंट बैलेंस, तो मुझे डेटाबेस से बैलेंस लाके दिखाना होगा। कुछ ऐसा होगा जो डिस्ट्रक्टिव होगी एक्टिविटी, उसमें मैं डबल चेक भी लगाऊंगा, ठीक है। कुछ ऐसा होगा जैसे ट्रांसफर माई बैलेंस, तो उसमें मैं यूजर से इनपुट्स भी लूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टूल बॉक्स है पूरा, एक बहुत सारे टूल्स हमें दे दिए गए हैं, जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम इस्तेमाल करेंगे, जब जरूरत नहीं होगी तो वो ना भी इस्तेमाल करें तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो ये हमने इंटेंट्स को जरा सा, सर जी जी दोस्त, सर स्लॉट में थोड़ी कंफ्यूजन थी, स्लॉट सजेशन चिप सर? नहीं नहीं नहीं, ये वो पैरामीटर्स हैं जो मैं यूजर से मुझे लेने हैं, कलेक्ट करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं फ्लाइट बुक करना चाह रहा हूँ, मैंने आप मिसाल के तौर पे आप फ्लाइट बुक करने की दुकान में बैठे हो ना, होती ना एक दुकान होती है जहाँ फोन करके फ्लाइट बुक करते हैं, क्या उसको कहते हैं, ट्रैवल एजेंसी, राइट, ट्रैवल एजेंसी कहते हैं। तो आप अगर ट्रैवल एजेंसी में है और मैंने आपको फोन किया है और आपको मैंने कहा है कि मुझे फ्लाइट बुक करनी है, ठीक है, तो आप मुझसे क्या कहेंगे? डेस्टिनेशन पूछेंगे। बताओ आपकी कट गई मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, मैं जो सवाल, सर आपके बाद में जो दो सवाल पूछ रहे थे वो उनसे मेरा सवाल है कि जब मैं आपसे कहूंगा कि मैं फ्लाइट बुक करना चाह रहा हूं तो आपका पहला सवाल क्या होगा? सलील बोल पड़ा ना कि आप कब का कहां जा कहां की बुक करवाना चाह रहे हैं, किस टाइम पे? हाँ बिल्कुल सही है, क्वेश्चन कोई आगे पीछे होगा लेकिन क्वेश्चन क्या होगा, कहां जाना है आपको, ठीक है, कब जाना है आपको, ठीक है, और फिर कितने दिन के लिए जाना है आपको। ये इस तरह के बेसिक सवालात, जब तक इन सवालात का जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप मेरी फ्लाइट को रिजर्व करो, ठीक है ना। तो ये वो सवालात हैं यहाँ पे, एक स्लॉट एक सवाल है, ठीक है। अब ये ट्रेवल एजेंसी आप हैं तो आपको पता होगा कि यार आपके पास जब कोई फ्लाइट बुक करने आता है तो आप कितने सवालात पूछना चाहते हैं उससे, ठीक है, हो सकता है 2-3 हो सकता है 10-12 हो, ठीक है, क्योंकि मैं एक दफा किसी के पास गया था बुक करने तो उन्होंने तो बहुत सारी चीजें मुझसे पूछी तो क्योंकि वो पूरी आइटनरी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो वैसे तो मैं खुद ही कर लेता हूँ बुक, लेकिन एक दफा मुझे जाना पड़ गया था तो उन्होंने इतनी बातें पूछी कि जो है ना वो मैं बैठ के उधर, मैंने कहा भाई एक ही दफा पूछ लो जो पूछना है। तो एज अ बिजनेस जो भी ऐप बनवा रहा है उसको ये बात पता है कि कितने सवाल उसको पूछना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑनलाइन में शॉपिंग की ऐप है अलेक्सा के ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर फिर मुझे क्या क्या पूछना पड़ेगा ये उस बिजनेस को पता है, ठीक है। अगर दराज वाले मुझसे ऐप बनवा रहे हैं अलेक्सा स्किल किट पे तो वो पूछेंगे कि भाई फोन नंबर बता दें अपना, कि भाई डिलीवरी मैन पहुंचेगा तो आपसे बात करेगा वो फोन करके, ठीक है, अपना एड्रेस बता दें आप अपना, जो है वो इस तरह की जो चीजें बिजनेस को रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये हमें वो बिजनेस बताएगा कि क्या क्या उसको चाहिए एक इंटेंट के अंदर। अच्छा ओके, अब हम वापस आते हैं बुक में। अच्छा, ये हमने इंटेंट को समझ लिया। ट्रेनिंग द एनएलयू विथ सैंपल अट्रेंसेस, अच्छा ये वही बात बता रहा है
कि अलेक्सा में जो अटरेंसेस हम लिखते हैं सैंपल अटरेंसेस, उसके पीछे असल में एआई लगी हुई होती है और हमसे वो तीन चार सेंटेंसेस इनपुट ले लेता है और उसके बाद क्या करता है वो बाकी सारी जो है ना खुद से जनरेट कर लेता है। अच्छा, और इन्होंने इस पैराग्राफ में ये भी बात लिखी है कि भाई के ह्यूमन जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, ह्यूमन क्या है? अनप्रेडिक्टेबल है। तो आपको ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि ह्यूमन क्या क्या बोल सकता है, राइट? तो आपने मिसाल के तौर पे तीन चार सेंटेंसेस लिख दिए, ठीक है, तीन चार सेंटेंसेस लिखने के बाद आपने ऐप को डिलीवर कर दिया, पब्लिश कर दिया स्टोर पे, पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि यूजर आके ना बहुत सारी ऐसे ऐसे जुमले भी बोलेगा जो हो सकता है आपके चैटबॉट को समझ ही ना आए, राइट? तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो वाली चीजें भी क्या करते जाएंगे, आप ऐड करते जाएंगे अपने सैंपल अटरेंसेस के अंदर, राइट? अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि यूजर क्या क्या बोल रहा है जो आपके चैटबॉट में नहीं है? इंटेंट हिस्ट्री। अच्छा, इंटेंट हिस्ट्री के अंदर ना यहां पे देखें आप, लास्ट 30 डे का जो है ना ये आपको पूरा हिस्ट्री दिखा रहा है कि किस बंदे ने क्या। अच्छा, ये तो मैंने अभी अभी स्किल क्रिएट की है तो इसमें जीरो आ रहा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास जब इसको आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो कौन बंदा क्या बात कर रहा है, जाहिर है उस बंदे का नाम तो नहीं आएगा, एनोनिमस डेटा होता है वो, लेकिन वो पूरा सेशन आएगा कि एक बंदा आया था, उसने आके हाय बोला, उसके बाद ये बोला, उसके बाद ये बोला, उसके बाद ये बोला, वो पूरा एक लिस्ट आ रही होगी कन्वर्जेशन। तो बहुत सारी कन्वर्जेशन यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है? अब इस कन्वर्जेशन में कितने स्टेप्स थे, 25 स्टेप थे भाई, बंदे ने आगे 25 दफा वो कुछ कुछ ना कुछ बोलता रहा, फिर वो बंद करके चला गया, ऐसे करके पूरा यहाँ पे दिख जाता है आपको, ठीक है? फिर अनरिजॉल्व और रिजॉल्व, इसने देखा दो पार्ट में इसको बांटा हुआ है कि आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अनरिजॉल्व कौन सी। अनरिजॉल्व का मतलब है कि ऐसी बात जो आपके चैटबॉट को समझ में नहीं आई, ऐसी बात, तो ऐसी बात अनरिजॉल्व के अंदर दिख रही होगी। तो ये कह रहा है कि भाई ह्यूमन जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है बिल्कुल ही। आप जितना भी सोच लेना कि अच्छा यार पानी मांगने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन आएगा कोई और वो किसी नए अंदाज में पानी मांगेगा, ठीक है, और वो आपके चैटबॉट को समझ में नहीं आएगा, तो उसकी यहाँ पे लिस्ट मेंटेन होती चली जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक हफ्ते बाद बैठें यहाँ पे से देखेंगे क्या क्या हुआ है इसमें और जा के उसको इंटेंट में ऐड करते चले जाएं। बल्कि यहीं पे बटन अब दे दिया है इन्होंने, आप बटन क्लिक करते हैं वो इंटेंट में ऐड हो जाता है खुद से ही। अच्छा, एक तीसरी बात भी इसने बताई है, एक तीसरी बात इसने ये बताई है, अच्छा वो इसने यहां नहीं बताई, वो इसने आगे की हेडिंग में बताई है। वो इसने ये बताया हुआ कि भाई अगर आप स्लॉट इनपुट ले रहे हैं ना यूजर से, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप स्लॉट इनपुट ले रहे हैं तो आप जो अटरेंसेस लिखेंगे अपने उसमें स्लॉट का भी जिक्र होना चाहिए, लेकिन खैर वो हम जब करेंगे तो देख लेंगे हम। अच्छा, अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, अब जल्दी से ना हम यूजर से एक अदद पैरामीटर ले लेते हैं, ये स्लॉट ना बना के देखते हैं अब कि बनती कैसे है स्लॉट। अच्छा, अब इसके लिए क्या ऐसा इंटेंट बनाए हम छोटा सा कि जिससे ना वो पता चल जाए हमें। वेदर ऐप बनाते हैं, क्या ख्याल है? वेदर ऐप बनाते हैं, सबसे सही रहेगा ये। वेदर ऐप में हमें क्या पूछ, बंदे ने पूछा भाई व्हाट्स द वेदर, तो बंदे से मुझे पलट के पूछना पड़ेगा ना कि भाई आप किस सिटी में या किस कंट्री में रहते हैं, ठीक है? सब एग्री करते हैं इस पर, जब तक ये मैं ना पूछूं मैं उसको जवाब नहीं दे सकता वेदर का, ठीक है? तो ये वाला बना लेते हैं। अच्छा, आते हैं भाई हम बल्कि एक नई स्किल बनाने से बेहतर है हम इसी स्किल में ना एक इंटेंट ऐड कर लेते हैं जिसका हम नाम रख देंगे वेदर इंटेंट। अच्छा, ऐड इंटेंट का बटन दबाया मैंने और मैंने कहा वेदर इंटेंट, ठीक है जी, वेदर इंटेंट, क्रिएट का बटन दबा दिया। अब ये वेदर इंटेंट मेरे पास आ गया। वेदर इंटेंट में बंदा वेदर पूछने के लिए क्या क्या बोल सकता है वो हम कोशिश करते हैं। व्हाट्स द वेदर,
ये जो है ना ऑटो करेक्ट है, व्हाट्स द वेदर, ठीक है, वेदर अपडेट, व्हाट्स द टेम्परेचर, यार ये ऑटो करेक्ट में इसमें काम नहीं करता सही, जैसे ही मैं ऑटो करेक्ट दबा रहा हूँ उसको पूरे को डबल कर देता है। अच्छा व्हाट्स द टेम्परेचर, अच्छा जैसे ही अब बंदा मुझसे कहता है कि व्हाट्स द टेम्परेचर, अब मेरे लिए ये बात जरूरी है। देखो हमने बगैर वो वाला इंटेंट तो बना लिया ना, लास्ट में हमने बना लिया, मैं पूछता था व्हाट इज माय नेम, सामने से मुझे बता देता था कि आपका नाम ये। अब हम अगला स्टेप करने जा रहे हैं जिसमें क्या होता है कि आप यूजर से पलट के ना एक क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, कि कौन सा सिटी। तो ये हम एक पहला स्टेप अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम एक स्टेप जो लास्ट हमने बनाया था उससे एक स्टेप आगे की चीज कर रहे हैं अब हम। अच्छा अब वो क्या चीज है भाई, वो चीज ये है कि सिटी नेम, ठीक है, मुझे सिटी नेम पूछना है। अच्छा ये जो मैं नेम लिख रहा हूँ ये मेरी मर्जी का कोई भी नाम हो सकता है, वेरिएबल है ये जस्ट काइंड ऑफ, और मैंने एंटर का बटन प्रेस कर दिया सिटी नेम लिख के। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई स्लॉट की ना टाइप क्या है। अच्छा स्लॉट की टाइप, ये क्या चीज है भाई स्लॉट की टाइप, खोल के देखता हूं मैं इसको। अब इसने मुझे बताया कि ना ये स्लॉट की टाइप्स मेरे पास अवेलेबल है, amazon.actor, amazon.airline, amazon.airport, amazon.animal, amazon.artist, amazon.adcity, adregion, ठीक है, amazon.city, मेरे मतलब की चीज ये मिल गई सिटी। अच्छा तो असल में इसका सवाल ये है कि भाई ये जो आप पैरामीटर ले रहे हो ये किस किस्म का पैरामीटर होगा, ठीक है, ये कोई नंबर होगा या कोई कोई सिटी का नाम होगा या कोई दुनिया के किसी एयरपोर्ट का नाम आप पूछ रहे हो, ठीक है। तो वो सारी इन्होंने बहुत सारी, आप अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं ना बहुत सारी यहाँ पे इन्होंने बनाकर रखे हुए हैं पहले से, ठीक है, यूएस की सिटीज, यूनाइटेड स्टेट की, जो जितनी भी टीवी सीरीज आज तक बनी है अमेजोन पे अपलोडेड है जाहिर है सारी, तो इनके पास सब डेटा है। तो टीवी सीरीज का कोई नाम आप इनपुट लेना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे यूजर से, कोई टाइम इनपुट लेना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं अपॉइंटमेंट बुकिंग की स्किल बना रहा हूं कोई, तो मुझे टाइम पूछने की जरूरत पड़ सकती है, या अगर मैं फ्लाइट बुकिंग की कोई स्किल बना रहा हूं तो उसमें भी मुझे टाइम पूछने की जरूरत पड़ सकती है कि जनाब किस टाइम पे आपको जो है ना वो निकलना है। जाहिर है जब मैं फ्लाइट बुकिंग करूंगा तो सिर्फ मुझे कल निकलना है, लेकिन कल किस टाइम, तो मुझे टाइम भी पूछना है, तो ये टाइम के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा। खैर तो अभी मैंने क्या कर दिया है, अभी मैंने सेलेक्ट कर दिया है कि सिटी का नाम बंदे से पूछूंगा मैं। अच्छा उसके बाद एक चेकबॉक्स यहां पे आ रहा है, एक 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 स्विच आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि मल्टी वैल्यू, ठीक है, मल्टी वैल्यू जब सेलेक्ट करूंगा मैं जब मुझे एक से ज्यादा सिटी का नाम लेना है, ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ एक सिटी का नाम चाहिए तो इसको मैं इनेबल नहीं करूंगा। या मिसाल के तौर पर मैं कोई फ्लावर शॉप की स्किल बना रहा हूँ, ठीक है, फ्लावर शॉप सब लोगों को पता होगा, अब आजकल फ्लावर शॉप की वेबसाइट्स बन चुकी हैं, तो आप फ्लावर की शॉप पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, और वेबसाइट पे जाके ना आप फूल का कलर सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इस कलर के फूल चाहिए, ठीक है, रेड रोज चाहिए, मुझे येलो रोज चाहिए, फिर आपने कहा कि मुझे गेंदे का फूल भी चाहिए उसमें, और मुझे वो डिफरेंट अब फ्लावर होते हैं उसके अंदर, तो आपने वो सारे सेलेक्ट किए और आपने ओके कर दिया, वो आपके घर पे भेज देते हैं, ये जहां भेजना होता है आपको वहां भेज देते हैं। तो अगर मैं किसी फ्लावर की स्किल बना रहा हूं तो मुझसे अगर वो फ्लावर के कलर पूछता है, ठीक है, तो उसमें मैं एक से ज्यादा कलर बता सकता हूं, मैंने कहा मुझे रेड चाहिए, व्हाइट चाहिए और पिंक चाहिए, तीन है, तो उस केस में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस नाम को चेंज करके सिटी नेम नहीं रखना पड़ेगा, फ्लावर कलर रखना पड़ेगा, रेलेवेंट होना चाहिए क्योंकि नाम वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं इस पॉइंट पे। अब यहां पे आके मुझे क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा, कलर भी होगा इसके अंदर, ये रहा कलर, ठीक है, और कलर करके मैं मल्टी वैल्यू को इनेबल कर दूंगा कि एक कलर नहीं दे बंदा, एक से ज्यादा कलर दे सके, रेड ब्लू व्हाइट तीन चार, जितने बोलेगा बंदा वो पूरा एरे की सूरत में ना आपको पीछे मिल जाएगा कोडिंग में। अच्छा तो उसको वापस अभी मैं सिटी कर देता हूं क्योंकि इस केस में हमारे सिटी चाहिए हमें,
क्या हुआ इसको, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ ये भी है कि भाई यूरोप के सिटी, ग्रेट ब्रिटेन के सिटी, यूनाइटेड स्टेट के सिटी, लेकिन हमें जस्ट पूरी दुनिया के कहीं, हमें जस्ट सिंपल वाला सिटी चाहिए जिसमें वो पूरी दुनिया के सिटी को गेट कर पाए, राइट। अच्छा अब अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि भाई ये डिफरेंट जो स्लॉट टाइप्स हैं, जैसे बुक्स हैं, ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि यार इस स्लॉट में दुनिया की सारी सिटी का नाम पकड़ेगा, ठीक है, बट इसका कोई डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, तो मैं वो डॉक्यूमेंट खोलने की कोशिश करता हूँ जहां पे इन सारे स्लॉट्स के बारे में ना पूरी डिटेल आपको मिल जाए, ठीक है, ताकि बाद में भी आपको खुद से भी बैठे जब तो रेफरेंस के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हो। तो मैं चलता हूं और इसके डॉक्यूमेंट को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, अलेक्सा डेवलपर, नहीं डॉक्यूमेंटेशन में ही चलते हैं, और यहां पर हम तलाश करने की कोशिश करते हैं स्लॉट टाइप्स। यहाँ पे मैं सर्च में ही लिख देता हूँ। अच्छा जो स्लॉट होती है हमारे पास उसमें दो तरह की स्लॉट टाइप है, एक है सिस्टम स्लॉट टाइप, ठीक है, तो मैं इसमें, और एक कस्टम होता है, कस्टम अभी तक हमने करके नहीं देखा, कस्टम वाला भी हमने करके नहीं देखा, वो हम करके देखेंगे तो पता चलेगा। स्लॉट टाइप रेफरेंस ये मुझे मिल गया, मैंने जैसे ही सर्च किया तो मुझे स्लॉट टाइप का ना रेफरेंस मिल गया, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ठीक है, होपफुली इसमें मुझे सारे स्लॉट के ना बारे में डिटेल नजर आ जाएगी। अच्छा जी वेरी गुड जनाब, ये आ गया। अब हम इसमें कौन सा, हमने जो सेलेक्ट किया है वो किया है सिटी, तो पहले सिटी को हम इसमें तलाश कर लेते हैं कि सिटी इसमें कहाँ है, सिटी तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा ड्यूरेशन डिजिट, कंट्रोल एफ करते हैं, ओ सिटी ये रहा, अच्छा amazon.us सिटी, मुझे सिर्फ सिटी चाहिए 18, अच्छा 18 रिजल्ट आ गया मेरे पास, मुझे amazon.city चाहिए ना, जो मैंने इस्तेमाल किया मैं उसको देखना चाह रहा हूँ कि वो उसमें क्या है, amazon.city ये आ गया जनाब, amazon.city, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अच्छा भाई amazon.city जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड रेकग्निशन फॉर लोकल एंड वर्ल्ड सिटीज कॉमनली यूज्ड बाय स्पीकर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग हुई भी है ये यूनाइटेड स्टेट्स का कोई डेटा होगा उस पर ट्रेनिंग हुई भी होगी, तो इस वजह से ये इन्होंने ऐसे करके लिखा है। दिस स्लॉट टाइप रेकग्नाइज कॉमन वेरिएशंस ऑफ सिटी नेम्स, द सिटी नेम सेंट टू योर सर्विस मैचेस द वैल्यू प्रोवाइड बाय द यूजर, दैट इज द अलेक्सा सर्विस डज नॉट अटेम्प्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम द वेरिएशन ऑफ द ऑफिशियल सिटी नेम। अच्छा ये कह रहे हैं कि कुछ सिटी जो है ना उनके नाम में वेरिएशन है तो हम उसको चेंज नहीं करते, हम जो बंदे ने बोला है वैसे ही एज इट इज भेजते हैं आपको। अच्छा तो ये कुछ एग्जांपल है, शिकागो, लॉस एंजलिस, ठीक है, सियाटल और न्यूयॉर्क, कैम्ब्रिज, ये दुनिया के सिटीज हैं, इन सिटी ये एग्जांपल है कि इस तरह से बंदा बोलेगा तो पता चल जाएगा। अच्छा इसी तरीके से इसमें एक amazon.us सिटी भी आ रहा था, एक एड सिटी है, तो कुल मिला के बात ये है कि जितने भी आपके पास सिस्टम एंटिटीज हैं, ठीक है, या बिल्ट इन स्लॉट टाइप्स भी उसको कहते हैं, उनकी आप डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप amazon.airline लिखेंगे ना तो वो क्या समझेगा, नेम्स ऑफ वेराइटी ऑफ एयरलाइंस, ठीक है, जितने भी एयरलाइन के नाम है वो उसको पकड़ेगा। अगर आपने लिखा amazon.airport तो दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, स्काई हार्बर एयरपोर्ट, ये सारे दुनिया के एयरपोर्ट के नाम पकड़ेगा जो भी इनके डेटाबेस में है, हो सकता है कोई एक दो एयरपोर्ट ना भी हो लेकिन मोस्टली होंगे इनके पास। अच्छा तो ये हमने एक डॉक्यूमेंट देख लिया, ठीक है, ये क्या चीज है, स्लॉट टाइप रेफरेंस है, इसका URL भी आपको दिख रहा है, तो आप अगर कभी भी इस वीडियो को दोबारा भी देखेंगे तो ये URL आप यहां से देख सकते हैं। अच्छा जी अब मैं वापस आ जाता हूं अपने पास, ठीक है जी, तो कभी भी हमें यूजर से सिटी का नाम इनपुट लेना है तो हम उसके लिए बिल्ट इन स्लॉट टाइप amazon.city का इस्तेमाल करेंगे,
और उसके अलावा यहाँ पे जितने भी बिल्ट इन स्लॉट टाइप्स हैं उन सब में से आप चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके आगे है एक्शन। एक्शन में जाता हूं मैं, एडिट डायलॉग्स, ठीक है। अब ये ना मैं स्लॉट के अंदर चला गया हूं, राइट, मैं स्लॉट के अब अंदर जा चुका हूं। अच्छा, स्लॉट यहां पे भी ना वही चीज है, वो तो एक लाइन में बता रहा था ना, अब मैं अंदर आया हूं तो उसी चीज को ये पूरे बड़े पेज में बता रहा है, राइट। अच्छा, मल्टी वैल्यू को मैंने चेक लगाया हुआ है, मल्टी वैल्यू को मैं डिसेबल कर देता हूं क्योंकि मुझे एक सिटी का नाम चाहिए सिर्फ। अच्छा अच्छा, अब ये है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि क्या ये स्लॉट आपको लाजमी पूछनी है यूजर से। मेरे केस में हाँ, मुझे लाजमी पूछनी है क्योंकि जब तक सिटी का नाम बंदा नहीं बताएगा ना, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो यूजर से पूछने वाली चीज होती है वो ऑप्शनल होती है, कि अगर खुद से यूजर बोल दे तो ठीक है, नहीं बोले तो कोई मसला नहीं है, हम उसके बगैर ही आगे बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अगर कोई बंदा है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक बोला किसी ने, ठीक है, तो अब कोल्ड ड्रिंक जो है वो अगर बंदा बोल देता है सिर्फ कि भाई गिव मी कोल्ड ड्रिंक, तो नाम नहीं बोलता कि एग्जैक्टली कौन सी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उसको नाम नहीं बोलता, तो जो डिफॉल्ट है मैं वो लाके उसको दे देता हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। शायद मैंने ये अच्छी एग्जाम्पल नहीं दिए लेकिन समझ गए होंगे आपके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मुझे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई अगर बंदे ने नहीं बताया तो आगे चीज हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, तो उस केस में हम इसको छोड़ देते हैं। उससे होता क्या है कि अगर बंदा खुद से बोल दे तो ठीक है, नहीं बोले तो कुछ पलट के नहीं पूछता वो। मेरे केस में ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, मेरे केस में क्या है, रिक्वायर्ड है ये कि अगर बंदे ने सिटी का नाम नहीं बताया तो उससे पलट के आप पूछो कि यार व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिटी, ठीक है, और जब तक ना बताए जब तक पूछते रहो। तो मैं पलट के क्या सवाल पूछूं, मैं पलट के बताएं प्लीज जरा, मुझे पूछना चाहिए व्हाट इज योर सिटी नेम। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था, मैं एक बार ही रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर कुछ बीच में मिस हो गया हो तो वो दोबारा पता चल जाए। अच्छा, तो हम ये बनाने वाले थे कि इंटेंट, एक वेदर इंटेंट के नाम से एक इंटेंट बनाया था हमने, और उसमें हमने तीन ट्रेनिंग फ्रेजेस दे दिए कि भाई व्हाट्स द टेम्परेचर, वेदर अपडेट या व्हाट्स द वेदर, ऐसे बंदा बोले तो ये इंटेंट हिट हो जाए। एक मिनट, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे हमने नहीं क्लास छोड़ी थी, क्लास कहाँ पे छोड़ी थी किसी को याद है? हाँ, मैं जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद इंटेंट के जो स्लॉट्स हैं इसमें मैंने क्या लिया था, सिटी नेम मैंने एक इनपुट लिया है जो कि मुझे वेदर बताने के लिए सिटी नेम चाहिए। अच्छा, उसके बाद तो सिटी नेम, अब सिटी नेम की टाइप क्या होगी, अमेजोन डॉट सिटी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अमेजोन डॉट सिटी क्या चीज है, बिल्ट इन स्लॉट टाइप्स हैं ये, ठीक है, इसमें बहुत सारे बिल्ट इन स्लॉट टाइप्स हैं। कलर्स आप कर सकते हैं, ठीक है, कंट्री कर सकते हैं आप, डेट टाइम नंबर, बहुत सारी इसके अंदर ये बिल्ट इन स्लॉट टाइप्स हैं। तो हमारा जो सिटी हमें इनपुट लेना है वो बिल्ट इन स्लॉट टाइप में मुझे मिल चुका है। उसके बाद है मल्टी वैल्यू। मल्टी वैल्यू क्या होता है कि जब मुझे सिटी, मतलब एक सिटी नहीं, मुझे 10 सिटी अगर इनपुट लेने हैं या दो सिटी इनपुट लेने हैं, एक से ज्यादा मतलब, तो मैं मल्टी वैल्यू को मैं चेक लगाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको चेक नहीं लगाऊंगा। अभी के केस में मुझे सिर्फ एक सिटी इनपुट लेनी है, ठीक है। अगर मैं ये पूछता हूँ कि यार आप कोई अपने तीन फेवरेट सिटीज बता दें, तो मुझे तीन सिटी चाहिए, तो मैं मल्टी वैल्यू कर दूंगा, तो मुझे तीन सिटी फिर इनपुट ले पाऊंगा मैं, अभी जस्ट एक मुझे मिलेगा। अच्छा, और अगर मैं फ्लाइट बुक कर रहा हूँ तो लाइक यू नो फ्रॉम टू कर रहे हैं तो हम मल्टी वैल्यू करेंगे या अलग अलग? अलग अलग होगा, फ्रॉम टू जो है वो अलग अलग होगा। अच्छा, ओके। अच्छा, उसके बाद है एडिट डायलॉग्स, ठीक है। अब एडिट डायलॉग पे मैंने क्लिक किया तो ये जो चीज मुझे एक पट्टी में दिखा रहा था ना, वो पूरी बड़ी स्क्रीन पे मुझे खोल के इसने दिखा दिया, राइट। अच्छा, तो अब उससे क्या हुआ के अच्छा यहाँ पे देखें वही चीज, मल्टी वैल्यू यहाँ पे भी आ रहा है चेक, ठीक है। अमेजोन डॉट सिटी जो मैंने वो सिंगल पट्टी में चीज आ रही थी ना, वो पूरे पेज में आ रही है, यहाँ पे भी दिखा रहा है मुझे वो। तो ये दो चीजें तो मैं कर चुका हूं, अब मैं नीचे चीज देखता हूँ। इज दिस स्लॉट रिक्वायर्ड टू फुलफिल इंटेंट, क्या ये स्लॉट अगर आपको नहीं मिले तो आपका काम नहीं होगा, रिक्वायर्ड है ये। मैंने कहा हाँ, ये अगर मुझे नहीं मिला सिटी का नाम तो मैं बंदे को वेदर बता ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया का वेदर तो नहीं बता सकता ना उसको, किसी एक जगह का ही बताना पड़ेगा। तो मुझे सिटी मेरे लिए रिक्वायर्ड है, तो जब तक ये सिटी मुझे नहीं मिलेगा वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा यूजर को, राइट, और उससे वो पलट पलट के पूछता रहेगा कि भाई मुझे सिटी का नाम बताओ,
अच्छा, अब सिटी का जो नाम बताया मैंने, मतलब यूजर से मैं पूछ रहा हूँ कि सिटी का नाम बताओ मुझे, तो मैं क्या बोलूँ उसको पूछने के लिए? तो मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट इज योर सिटी नेम, ठीक है, व्हाट इज योर सिटी नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब ये बताएं आप कि कौन सा ऐसा मुख्तलिफ अंदाज हो सकता है जिससे मैं यूजर से पूछ सकता हूँ कि भाई अपना सिटी मुझे बताओ। प्लीज एक दो जुमले आप भी बताएं, कोई भी बता दे। टेल मी योर सिटी नेम, मे बी प्लीज टेल मी योर सिटी नेम। अच्छा, तो ये तीन मैंने जुमले लिख दिए। अब क्या करेगा ये रैंडमली ना तीनों में से कोई एक जुमला उठा के यूजर से पूछेगा, अगर फिर उसने नहीं बोला तो फिर कोई रैंडमली कोई एक उठाएगा पूछेगा, ठीक है। अब मैं ये तीन चार पांच छह जितने जुमले चाहूं मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, उसमें से रैंडमली ना कोई एक को उठाएगा ये, राइट। और वेयर डू यू लिव ऐसे भी बोल सकता हूं मैं यूजर को, ठीक है। यू वांडर वेदर फॉर व्हाट सिटी, You want weather for what city? ठीक है जी, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, जब मैं एक ही बात है, वो मैटर नहीं करता कि जुमला क्या है नहीं है, वो तो जब जाहिर है एक्चुअल स्किल बनाएंगे तो फिर ग्रामर का इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे, लेकिन अभी तो जस्ट हम जो चीज समझ रहे हैं वो समझ आ गई बात। अच्छा, तो जब मैं स्लॉट फिलिंग को रिक्वायर्ड को ट्रू करता हूं तो मुझे ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है, अदरवाइज ये ऑप्शन होता ही नहीं है। देखें, अभी मैं बंद करूंगा ना ये ऑप्शन गायब हो जाएगा, सब गायब हो गया। जब इसको मैं रिक्वायर्ड करूंगा ना तो फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई अगर आप कह रहे हो कि रिक्वायर्ड है तो फिर सवाल भी बताओ कि अगर नहीं बंदा बोलता है तो उसको क्या पलट के पूछा जाए, तो ये पलट के ये पूछा जाए। अच्छा, फिर यूजर जवाब में किस तरह से उसका जवाब दे सकता है यूजर, ठीक है, किस तरह से यूजर उसका जवाब दे सकता है? तो यूजर इसका जवाब दे सकता है कि माई सिटी नेम इज, ठीक है, और उसके बाद सिटी का नाम। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने करली ब्रैकेट को ओपन किया, यहां पे ना मुझे जो भी मेरे स्लॉट्स हैं एग्जिस्टिंग स्लॉट वो आ जाएंगे। यूजर ऐसे बोल सकता है कि माई सिटी नेम इज दिस, एंटर कर दिया इसको मैंने, ठीक है। यूजर ऐसे भी कह सकता है कि आई लिव इन, ठीक है, कनाडा, ठीक है, या गिव मी वेदर ऑफ, ठीक है, कराची, ठीक है, और जस्ट कराची, ठीक है, जस्ट कराची भी बोल सकता है, या जस्ट कनाडा भी बोल सकता है बंदा, या जस्ट न्यूयॉर्क भी बोल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यूजर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि यूजर रिस्पॉन्ड किस किस तरह से कर सकता है, ताकि ना एआई को ट्रेनिंग में आसानी रहे थोड़ी। अच्छा, अब है स्लॉट कंफर्मेशन लास्ट में। एक तो था इंटेंट कंफर्मेशन, ये याद रखिएगा प्लीज, इंटेंट कंफर्मेशन और स्लॉट कंफर्मेशन ये दो अलग अलग चीजें, ठीक है। स्लॉट जो है, मिसाल के तौर पे आप फ्लाइट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप बंदे ने बोला आई वॉन्टेड टू बुक अ फ्लाइट, ठीक है, सामने से अलेक्सा ने पूछा के वेयर आर यू गोइंग, मैंने कहा आई एम गोइंग टू दुबई। तो अब ये दुबई जो उसको पता चला ना, इसको कंफर्म करना, ये दिस इज कॉल्ड स्लॉट कंफर्मेशन। तो अगर इसको मैं इनेबल कर देता हूं ना, तो वो क्या बोलेगा, अलेक्सा का बिहेवियर क्या होगा, ये प्लीज समझिएगा। अलेक्सा सामने से बोलेगी आई हर्ड दुबई, इज दैट करेक्ट, बंदा बोलेगा यस। अब वो अगला स्लॉट पूछेगा अलेक्सा, भाई इंटेंट एक ही चल रहा है, इंटेंट दूसरा नहीं, इंटेंट एक ही चल रहा है अभी। फिर वो पूछेगा कि भाई When, what is the date of your flight? ठीक है, किस डेट को आपको जाना है? तो आपने बोला कि 3 days from now. अच्छा, तो सामने से अलेक्सा बोलेगी कि भाई 3 days from now, ठीक है, और 20 February, is that correct? 20 February, is that correct? बंदा बोलेगा yes. ठीक है, तो ये स्लॉट कंफर्मेशन है, ठीक है। एक स्लॉट उसमें कंफर्मेशन, दूसरा स्लॉट उसमें भी कंफर्मेशन, तीसरा स्लॉट अब हाउ मेनी डेज आर यू गोइंग टू स्टे, 20 February को चला जाएगा, स्टे कितने दिन करेगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू स्टे फॉर अ वीक, फिर अलेक्सा सामने से बोलेगी आई हर्ड अ वीक 7 days, इज दैट करेक्ट,
बंदा बोलेगा यस, तो ये स्लॉट कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, अभी इंटेंट यही चल रहा है, इंटेंट की कंफर्मेशन अलग है, वो इंटेंट के आखिर में होगी। अच्छा, ये मेरे मिसाल के तौर पे ये जो भी इनपुट मुझे लेना था ये हो गया, पूरा हो गया इनपुट। अब जब सारे इनपुट हो जाएंगे ना तो अब आएगा इंटेंट की कंफर्मेशन। ठीक है, अब क्या आएगा, इंटेंट की कंफर्मेशन। अब वो पूरा जुमला वो दोबारा बताएगा कि भाई यू आर गोइंग टू दुबई ऑन 20th ऑफ फरवरी फॉर 7 days। ठीक है, आर यू श्योर टू रिजर्व योर फ्लाइट। ठीक है, बंदा बोलेगा यस। यहाँ पे इंटेंट कंप्लीट हो गया। तो इंटेंट कंफर्मेशन और स्लॉट कंफर्मेशन आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्लीज ये सोच के बताइए कि क्या इस केस में मुझे स्लॉट कंफर्मेशन की जरूरत है। बंदे ने बोला है कि प्लीज टेल मी वेदर अपडेट, और सामने से अलेक्सा ने पूछा कि यार वेयर डू यू लिव, बंदे ने बोला कराची। तो क्या मुझे ये बोलने की जरूरत है कि आई हर्ड कराची, इज दैट करेक्ट? क्या मुझे जरूरत है इसकी? नहीं है। ठीक है, मैं कराची का डायरेक्ट वेदर बताऊंगा। हो सकता है अगर बंदे ने कुछ और बोला हो, बंदा फिर पूछ लेगा, नॉट अ बिग डील। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही, कोई ट्रांजेक्शन होने नहीं जा रही कि 5,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन की जरूरत काइंड ऑफ नहीं है, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। मैंने सेव मॉडल का बटन प्रेस कर दिया। अच्छा, और मैंने बिल्ड मॉडल का भी बटन प्रेस कर दिया, क्योंकि यहां तक मेरा जो काम था वो हो गया इस वक्त। अच्छा, अब मैं वापस आ जाता हूँ इंटेंट के अंदर। इंटेंट का एक दफा हम गो थ्रू कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक कि क्या हो चुका है इस वक्त इंटेंट में। अट्रेंसेस है मेरे पास, 3 अदद अट्रेंसेस हैं। अच्छा, अट्रेंसेस में ना एक मसला है बीबी, वो मसला पता है क्या है? वो मसला ये है कि मैंने अट्रेंसेस ना इसके साथ नहीं दिया हुआ स्लॉट के साथ, तो मुझे यहाँ पे मतलब सिटी के नाम के साथ भी कुछ अट्रेंसेस देनी पड़ेंगी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर बंदे ने सिंगल जुमले में सिटी का नाम भी बोल दिया तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसको अब क्या दूंगा, व्हाट्स द वेदर ऑफ कराची। ओ कराची नहीं, मुझे ये स्लॉट लिखना था यहाँ। ठीक है, कि जो भी सिटी जिन वेरिएबल एक्चुअली, तो ये वेरिएबल रिप्लेस होगा। ठीक है, यही तीनों अट्रेंसेस ना मैं क्या करूंगा, वेदर अपडेट्स फॉर सिटी नेम। ठीक है, वही तीनों में क्या कर रहा हूं, स्लॉट के साथ लिख रहा हूं, व्हाट्स द टेम्परेचर इन सिटी नेम, टेम्परेचर इन सिटी नेम। ठीक है, वही तीनों अट्रेंसेस मैंने अब स्लॉट के साथ भी लिखा है। अच्छा, इससे बेनिफिट मुझे क्या होगा, अगर एक ही जुमले में बंदा बोल देता है ना तो इसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एआई है, जब तक इसको मैं एग्जांपल नहीं दूंगा ना इसको समझ नहीं आएगा। अगर मैं ये नहीं लगाता स्लॉट के साथ, तो होता ये कि बंदा बावजूद इसके कि बंदा ने कहा कि व्हाट्स द टेम्परेचर इन कराची, वो उससे पलट के पूछता व्हाट इज द सिटी नेम, तो थोड़ी बेवकूफी फील होती ना, तो इसलिए मैंने ये भी लगा दिया ताकि इसको ये भी समझ में आए। अच्छा, अब मुझे दोबारा से सेव करना पड़ेगा और दोबारा से बिल्ड चलानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैंने चेंजेस कर दिए तो बिल्ड दोबारा होगा वो। अच्छा, इतनी देर में हम आ जाते हैं अब कोडिंग में, क्योंकि यहां का जो काम था वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मुझे कोडिंग में क्या करना पड़ेगा, इस वेदर इंटेंट का रिस्पॉन्स बताना पड़ेगा मुझे वहां पे। तो मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ पहले, तो ताकि इसके नाम से मैं वहां पे बना सकूं। अच्छा जी, और मैंने आके कहा ठीक है, मैंने कहा कि भाई वेदर इंटेंट हैंडलर और ये मैंने इंटेंट का नाम यहां पे बता दिया। ठीक है जी, अच्छा वेदर इंटेंट हैंडलर। अब यही मुझे जिस नाम से मैंने यहां पे फंक्शन बनाया है उसी नाम से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां लास्ट में जितने फंक्शन पास हुए हैं ना इनमें मुझे इसका भी नाम ऐड करना पड़ेगा। शुरू में कर दूं मैं, आखिर में कर दूं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं बिल्कुल शुरू में कर दूं या बिल्कुल लास्ट में कर दूं या बीच में कहीं कर दूं, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, लेकिन इसमें पास मुझे लाजमी करना पड़ेगा।
अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस, और वापस आने के बाद अब क्या जवाब में क्या बोले, ठीक है, वो मुझे बताना पड़ेगा। वेदर ऑफ कराची इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये मैंने जवाब बता दिया, लेकिन ये जवाब जो है वो सही नहीं है, क्योंकि बंदा हम हर दफा कराची थोड़ी बोलेगा, तो मुझे इस पॉइंट पे जो है ना वो पकड़ना पड़ेगा कि बंदे ने बोला क्या है। अब वो बुक में देखें बता रहा है, ये बुक में इसने बताया है कि आपको ना वो मिलेगा कैसे। अच्छा, ऐसे मिलेगा, ये लाइन मैंने यहां से कॉपी कर ली और यहां पे मैंने लाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। ये कुछ गलत हो गया, ये इनपुट हैंडल इनपुट से होना चाहिए ये तो। ओके, मैं कंट्रोल एफ कर लेता हूँ, वो मोस्ट प्रोबली आगे किसी जगह पे बताया हुआ है, क्योंकि ये कोड जो है ना वो थोड़ा सा पुराना कोड है। हाँ, ये आ गया ना मेरे पास, ठीक है, मैंने कंट्रोल एफ करके ना मैं बुक में आगे चला गया हूँ, मैंने बुक में आगे जाके सर्च कर लिया, राइट। अच्छा, तो ये जो मेरा इनपुट हैंडलर है ना, उस पर डॉट रिक्वेस्ट एनवलप डॉट रिक्वेस्ट डॉट इंटेंट डॉट स्लॉट्स, अब इससे ना मुझे तमाम स्लॉट मुझे मिल जाएंगे, राइट। ये जैसे ही मैंने किया, मुझे तमाम स्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, अब इस स्लॉट में मुझे मिल रहा क्या है, मुझे उसको कॉन्सोल करवाना है, मुझे उसको क्या करवाना है, कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है। याद रखें, इसमें तमाम स्लॉट मिलेंगे, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही स्लॉट है, लेकिन अगर मेरे पास दो तीन या चार स्लॉट होते हैं ना, सारे मुझे इसमें मिल जाएंगे। तो मैं इसको क्या करूंगा, स्लॉट्स को कॉन्सोल करवा लेता हूं मैं, ठीक है। अभी इस कॉन्सोल को मैं देखूंगा कहां, वो भी आपको पता चल जाएगा। यार मुझे वो ना कोड को इंटेंट करने की आदत है। अच्छा, इस स्लॉट में मुझे डॉट लगा के कॉन्स्ट सिटी नेम इक्वल्स टू, मुझे क्या मिलेगा, स्लॉट पे डॉट लगा के ना मुझे ये नाम मिलेगा, ठीक है, जो भी मैंने नाम लिखा है यहाँ पे वो मिलेगा मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा स्लॉट डॉट सिटी नेम, ठीक है, इस तरह मुझे सिटी नेम मिल गया। अच्छा, और इस सिटी नेम को भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। कोई कह रहा है कि थोड़ा जूम कर ले। हाँ, गुड इनफ, आई थिंक सो। ठीक है, मैंने स्लॉट्स जितनी सारी स्लॉट थी सबको, उसको भी कॉन्सोल करवा लिया, और सिटी नेम को स्लॉट्स में से ना निकाल के उसको भी कॉन्सोल करवा लिया, राइट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको सेव कर देना है और इसको डिप्लॉय का बटन दबा देना है, ठीक है, ताकि ये कोड डिप्लॉय हो जाए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टेस्ट वाले टैब में। अब जैसे ही मैं इस इंटेंट को हिट करूंगा, ये पीछे ये कोड पूरा चल जाएगा और मेरे पास रिस्पांस क्या आ जाएगा, मेरे पास ये रिस्पांस आ जाएगा, राइट, ठीक है। और मुझे रिस्पांस तो ये नहीं चाहिए, मुझे असल में इनको कॉन्सोल करवाना है, ठीक है। मैं देखूंगा फिर मुझे क्या मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंगली मैं इस रिस्पांस को अपने चेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये सिटी का नाम इसमें लगाना है कि मैं बंदे को वही सिटी का नाम रिस्पांस करूं जो उसने बोला हुआ है, राइट। अच्छा, फिर अल्टीमेटली हम वही सिटी का नाम जब हमें मिल जाएगा, तो उस सिटी के नाम को हम वेदर एपीआई पे भेज के एक्चुअल वेदर वेदर भी मंगवा लेंगे, राइट। तो ये एक एक करके स्टेप हम चलते हैं। अच्छा भाई, मैंने कहा ओपन इंजमाम मलिक, ठीक है जी, और मैंने इसको कहा कि व्हाट्स द वेदर
Hello and welcome. Tell me your city name. ठीक है, मैंने इसको कहा कि लाहौर. Weather of Karachi is 27 degrees centigrade. ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि मेरा कोड चल चुका है. अब मुझे कॉन्सोल पे ना ये दोनों चीजें कॉन्सोल पे आ जानी चाहिए. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये कॉन्सोल आया किधर होगा, क्योंकि ये कोड अमेज़न के सर्वर पे चल रहा है तो मुझे अमेज़न के सर्वर पे ही इसका रिस्पांस दिखेगा. अच्छा, वो कहाँ है? वो ये क्लाउड वॉच लॉग्स. इस पे मैं क्लिक कर दूंगा सिंपली, तो ये मुझे एक नए टैब में ना मेरे लॉग्स दिखा देगा. किसके लॉग्स दिखा देगा? इस लैम्डा फंक्शन के लॉग्स दिखा देगा. ये जो मेरा कोड है इसके लॉग्स मुझे ये दिखा देगा. देखते हैं जी कि क्या रिकॉर्ड है. क्या हुआ इसको? ओ, खुलने लगा था, मैंने बंद कर दिया. अच्छा, इसमें ना लॉग स्ट्रीम्स बन जाती हैं, राइट? मिसाल के तौर पे अगर आप थोड़ी देर तक अपने फंक्शन को यूज नहीं करते तो वो स्लीप में चला जाता है, तो जब आप दोबारा से उसको यूज करते हैं ना तो एक न्यू स्ट्रीम बनती है. तो ये वो स्ट्रीम्स आ रही हैं, राइट? दो स्ट्रीम आ रही है इसमें. एक जब मैंने इसको बनाया था लास्ट टाइम तब मैंने यूज किया था, तो एक वो स्ट्रीम आ रही है और एक आज मैंने चलाया उसकी स्ट्रीम आ रही है. तो मैं इसमें से ना जो लेटेस्ट होगा ना ये टाइम से मुझे पता चल जाएगा. तो मुझे लेटेस्ट नजर आ रहा है ये वाला, 17 तारीख, आज 17 तारीख है, आज का ये. और टाइम से भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ. अच्छा, तो मैं इसको स्ट्रीम को ओपन कर लेता हूँ, राइट? जो लेटेस्ट वाली स्ट्रीम होगी वो हम ओपन कर लेंगे. अच्छा, ये मेरे लॉग्स आ गया, ठीक है जी. अब इस लॉग्स में आप देखिएगा गौर से कि ये लॉग ना नीचे से स्टार्ट है और ऊपर की तरफ गया. ओ सॉरी, ऊपर से स्टार्ट है और नीचे की तरफ गया है, 58 59 ऐसे करके. यहां पे लिखा हुआ है स्टार्ट. ये वो पहला लॉग है जब आपका फंक्शन स्टार्ट होता है ना, जब ये लॉग आता है, राइट? और उसके बाद है ये एंड. ये एंड होने पे आता है, ठीक है? तो इसी तरह मैं तीनों को ना, चारों को ओपन करके देखता हूं, किसी एक में मुझे मेरा लॉग दिख जाएगा. ये ना मेरा लॉग आ गया, ठीक है जी. मैंने दो लॉग करवाए हुए थे, दोनों मुझे मिल गए. यहां पर एक स्लॉट्स है, स्लॉट्स में मुझे ये मिल रहा है पूरा, ठीक है? स्लॉट्स में मुझे ये इतना डेटा मिल रहा है पूरा. और सिटी नेम के अंदर मुझे क्या मिल रहा है? सिटी नेम के अंदर मुझे ये इतना मिल रहा है, ठीक है? सिटी नेम डॉट नेम, सिटी नेम डॉट वैल्यू, सिटी नेम डॉट कंफर्मेशन स्टेटस, सिटी नेम डॉट सोर्स, ये चार चीजें मिल रही है मुझे. कंफर्मेशन नन है क्योंकि कंफर्मेशन रखा हुआ ही नहीं हमने, ठीक है? तो मैं सिटी नेम डॉट वैल्यू करूंगा जब, तो मुझे लाहौर मिल जाना चाहिए, ठीक है? मैं आता हूं अपने कोडिंग में और मैं अब क्या कर देता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक तो इसको बैकटिक में कर देता हूं कन्वर्ट. और मैंने कहा यहाँ पे सिटी नेम डॉट वैल्यू, ठीक है? तो अब मुझे आंसर में क्या मिलना चाहिए? वेदर ऑफ जो भी सिटी का नाम मैंने बोला है वो इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो पहले मैंने सिटी का नाम तो सेट कर लिया. अब ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड ना, ये मैं क्या करूंगा, ये मैं वेदर की एपीआई से डेटा लेकर आऊंगा, राइट? डिप्लॉय का बटन दबा दिया मैंने. अच्छा, आया जी अब मैं टेस्टिंग पे, और टेस्टिंग पे आके मैंने दोबारा कहा, सॉरी आई डोंट नो अबाउट दैट, प्लीज ट्राई अगेन. इसको रिफ्रेश कर लेते हैं. Hello and welcome. I am virtual version of Mr. Inzamam Malik. What would you like to ask? I can tell you his name and work experience. In New York. What's the weather in New York?
Weather of New York City is 27 degrees centigrade. ठीक है जी, तो अब जो यूजर ने बोला था स्लॉट वो हमने पकड़ लिया यहाँ पे, वो हमने पिक कर लिया, और अब हमें क्या करना है, इसका एक्चुअल वेदर मुझे गेट करना है, राइट? अच्छा, एक्चुअल वेदर गेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें एक्सियोस करना पड़ेगा इंस्टॉल, ठीक है? एक्सियोस के जरिए ही मैं वेदर गेट करके लेकर आऊंगा। अच्छा, तो अब इसमें एक्सियोस कैसे इंस्टॉल होगा वो जरा हम देख लेते हैं। आप यहां पे देख रहे हैं पैकेज डॉट जेसन छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। इस पैकेज हम नॉट जेएस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट का बैकग्राउंड जिन लोगों का है उनको पता होगा कि जब भी हम नॉट जेएस में कोई भी चीज इंस्टॉल करते हैं तो वो यहाँ पे आके शो हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्सियोस का जो भी वर्जन है ना इस वक्त वो यहाँ पे लाके लिख देना है। तो हम चलते हैं एक्सियोस की वेबसाइट पे और वहां से देखते हैं कि उसका वर्जन क्या है। मैंने कहा npm एक्सियोस, ठीक है, गया मैं यहां पर। अच्छा, इसका वर्जन है 0.26.0, ठीक है जी, ये वर्जन है। तो मैं यहां पे लाके ये लिख देता हूं, ठीक है जी, ये मेरे पास ना एक्सियोस इंस्टॉल हो गया इसमें। उसके बाद मैंने सेव का बटन दबा देना है जस्ट, ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं था, ये आसान है। एक्सियोस इसमें इंस्टॉलेशन हो गई एक्सियोस की, राइट? अच्छा, अब हम एक्सियोस का कुछ कोड भी उठा लेते हैं। जाहिर है भाई, कोडिंग तो लिखनी पड़ेगी, सिर्फ इंस्टॉलेशन से तो काम नहीं चलेगा। हमें गेट की रिक्वेस्ट करनी है, तो हमने गेट का कोड उठा लिया यहां से। और ऊपर रिक्वायर एक्सियोस भी उठाना पड़ेगा ना। हाँ, रिक्वायर भी उठाना पड़ेगा। इंडेक्स में गया, रिक्वायर कर लिया एक्सियोस को, उसके बाद ये जो गेट की रिक्वेस्ट है ये मैंने उठा ली यहां से। ये आपका स्क्रीन अटक गया है, मुझे अभी पैकेज डॉट जेसॉन दिखाई दे। हाँ, अब ओके। अच्छा, तो मुझे इस दरमियान में आप क्या करना है, ये गेट की पूरी रिक्वेस्ट लगा देनी है। ठीक है, इस दरमियान में आके मुझे यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट लगानी है। अच्छा, अब क्योंकि हम इस वक्त लैम्डा फंक्शन में मौजूद हैं, लैम्डा फंक्शन जो है वो नैनो सर्विस आर्किटेक्चर है, तो इसके अंदर ना हमें ये डॉट देन ना थोड़ा सा इसमें एक चीज करनी पड़ती है डॉट देन को चलाने के लिए। इसमें हमें लगाना पड़ता है अवेट, ठीक है, और हमें यहां पे लगाना पड़ता है एसिंक, ठीक है, ये हैंडलर फंक्शन से पहले एसिंक और यहां पे अवेट, अदरवाइज जो है ना ये काम नहीं करता, फिर ये प्रॉब्लम करता है, ठीक है। बहुत ही छोटी सी चीज है और ये वीडियो रिकॉर्डेड है क्योंकि, तो आप कभी भी आके ये देख सकते हैं कि मैंने ये किस तरह से किया, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब एक्सियोस डॉट गेट करके मैं वेदर की एपीआई कॉल करना चाह रहा हूँ, राइट? तो वेदर की एपीआई कॉल करने के लिए मुझे मेरे पास ओपन वेदर के नाम से एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जो मुझे क्या करता है, मुझे फ्री की वेदर अपडेट दे रहा होता है। तो मैं ओपन वेदर में चला गया और ओपन वेदर में जाने के बाद मैंने कहा एपीआई, राइट? अच्छा, ओपन वेदर अकेला नहीं है, ओपन वेदर के अलावा भी बहुत सारे इस तरह के हैं प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री में जो है ना वेदर की अपडेट दे रहे होते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा करंट वेदर मुझे चाहिए, चलते हैं जी एपीआई डॉक्यूमेंट में कि करंट वेदर में क्या है। अच्छा, ये है वो यूआरएल जो मुझे लिखना पड़ता है, आता हूं मैं और ये यूआरएल लिख देता हूं। इस यूआरएल पे मुझे गेट की रिक्वेस्ट करनी है, राइट? मैंने कहा https://openweathermap, ठीक है जी, ये तो लेट लॉन्ग वाला मैंने कॉपी कर लिया। सिटी वाला मुझे कॉपी करना था ना, जिसमें सिटी का नाम देते हैं।
यार इन्होंने खत्म कर दिया क्या वो सिटी के नाम वाला? कंट्रोल एफ सिटी करके देख लो। एक मिनट में लॉगिन कर जाता हूँ। पहले तो पहले हमने लास्ट मुझे याद है हमने कॉल किया था इस एपीआई को, तो हम ना इसमें सिटी का नाम लिख के देते थे तो वो डेटा आ जाती, डेटा आ जाता था हमारे पास। लेकिन वो मैं अभी देख रहा हूँ इन्होंने थोड़ा चेंज किया है और सिटी के नाम को हटाकर इन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ऑप्शन डाल दिया है, लैट और लॉन्ग का ऑप्शन डाल दिया है। अच्छा क्या कह रहा है, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जिप सिटी का नाम भी नहीं दे सकते यार, सिटी का नाम नहीं दे सकते हम, इन्होंने चेंज कर दिया इसको। ओके हम अलग से गूगल करते हैं फिर। फ्री वेदर एपीआई कोई है हमारे पास ओपन वेदर के अलावा? फ्री वेदर एपीआई फॉरकास्ट जेसन डेटा फील्ड रैपिड एपीआई के अंदर कोई हमारे पास एक है कोई? ये तो सही तरह खुला नहीं है आई थिंक। अच्छा मुझे वापस ये आया है, योर कॉल एंड्स इन 10 मिनट्स, अपग्रेड टू वर्क गूगल वर्कस्पेस इंडिविजुअल टू एक्सटेंड कॉल। बस मेरा ख्याल है हम 10 मिनट में खत्म ही कर पाएंगे अपनी क्लास को। गेट स्टार्टेड पर नहीं हुई तो मैं नहीं लिंक व्हाट्सएप में डाल दूंगा। Just a minute. अच्छा तो जी मैं रैपिड एपीआई पे साइन अप कर गया। अच्छा भाई गेट वेदर डेटा, अच्छा जी तो ये इन्होंने यहाँ पे पूरा बनाकर भी दिया हुआ है कि इस तरह से भेज सकते हैं हम। आपने वो रिक्वायर एक्चुअली उस नाम पे लगाया है? टॉप पे लगाया हुआ है हमने, टॉप पे ही रहा। अच्छा स्टेप ठीक है जी। community.openweather ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैं नहीं दे रहा हूँ ठीक है जी, और लैंग्वेज वगैरह नहीं दे रहा हूँ मैं, यू XML भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से ठीक है, आईडी पता नहीं क्या चीज है उसको भी हटा देता हूँ। यूनिट्स मैट्रिक करना वो इंपीरियल है, यूनिट्स मैट्रिक कर दिया मैंने ठीक है जी। दोबारा देख लेते हैं आगे कि यूनिट्स में मैं क्या दे सकता हूँ। और वो क्यू क्या है, व्हाट इज क्यू है? अच्छा क्यू इज द सिटी, हां क्वेरी। अच्छा ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल, यूनिट में इम्पीरियल है और मैट्रिक और इम्पीरियल ठीक है, मैट्रिक्स भी होता है कहीं कहीं पर तो मैंने एस देखना है इसलिए जरूरी समझो ठीक है जी। और ये ऑप्शंस मैंने क्या किए, ठीक है जी ये ऑप्शंस इसी तरह किया होता है इन्होंने, एक दफा और देख लेता हूँ। Axios.request नहीं है, Axios.request ठीक है जी। और ये ऑप्शन मैंने पास कर दिया। अच्छा मुझे लंदन का नहीं चाहिए डेटा, मुझे चाहिए मेरे सिटी का, और मेरे सिटी का नाम है इस वक्त सिटी नेम डॉट वैल्यू राइट, ये आ गया मेरे पास। अच्छा जी यस। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो मेरा रिस्पॉन्स आया है
उसको मैं कंसोल करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी और मैंने यहाँ पे कह दिया रैपिड एपीआई डेटा, ठीक है। रैपिड एपीआई से जो भी मेरे पास डेटा है उसको मैंने यहाँ कंसोल करवा दिया। अब जो भी मेरे पास यहाँ पर आएगा, जो भी कंसोल में मेरे पास चीज आएगी, उसको मैं फिर अकॉर्डिंगली क्या करूंगा, इस 27 डिग्रीज की जगह पर रख दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो ना ये पूरा जो जो भी कुछ है ये यहां से कट हो जाएगा, और यहां से कट होके ये कहां आ जाएगा, इसके देन में आ जाएगा, राइट। क्योंकि जब तक इंटरनेट से रिस्पांस नहीं आ जाता, मैं रिस्पांस नहीं भेजना चाह रहा हूं वापस, ठीक है। तो मैं इंटरनेट से जो भी मैंने रिक्वेस्ट की है वेदर डेटा की, उसके आने का इंतजार करूंगा, और जब तक मैं क्या करूंगा, उसको रिक्वेस्ट को यहीं रोक के रखूंगा, ठीक है। तो उसके देन पे मैं अब यहां से रिटर्न करवा रहूंगा। अच्छा, कैच में भी मुझे कोई ना कोई रिस्पांस देना होगा, ठीक है। कैच में भी मैं सेम चीज कैच में भी रखूंगा, लेकिन कैच में मैं क्या रखूंगा कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह की कोई चीज। रॉन्ग इन, ठीक है, इन फंक्शन में भी उतना वैसे लिखना नहीं होता, समथिंग वेंट रॉन्ग भी काफी है। अच्छा, इसको मैंने कर दिया डिप्लॉय। अब इसको डिप्लॉय करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि यहां से जाके इसको अगेन टेस्ट करना है, ठीक है जी। व्हाट्स द वेदर इन कराची, वेदर ऑफ कराची इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, तो अब मुझे ये पता है कि ये इतना कोड चला होगा, तो इतना कोड चला होगा अगर, तो ये कंसोल भी आ गया होगा, ठीक है। तो मैं कंसोल दोबारा जाकर देखता हूं और उसमें देखता हूं कि मुझे वेदर का डेटा किस तरह का आया है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली मैं उसी तरह से उसको अपने रिस्पॉन्स में ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब मेरे पास जो है ना सबसे लेटेस्ट जो आ रहा है इस वक्त, वो आ रहा है ये वाला, आई थिंक स्ट्रीम। अच्छा, और ये मेरे लॉग्स हैं, सिटी नेम, और ये मेरे पास सिटी नेम है। अरे ये क्या हुआ, एंड हो गई रिक्वेस्ट, यही था ना सबसे लेटेस्ट। रिफ्रेश करके देख लेता हूँ एक दफा, 22:15, 22:00, हाँ ये वाला लेटेस्ट है, दोबारा देखता हूँ। ओके सर, जब एक बार हमने कर दिया तो फिर दोबारा करने की जरूरत क्यों? दोबारा करने की जरूरत इस वजह से है कि मैं जो डेटा है ना, जो वेदर की एपीआई से जो डेटा आ रहा है, उसको भी मैं तो कंसोल करवाना चाह रहा हूँ ना, कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स मुझे दे रहा होगा वो। लेकिन मुझे ये बड़ा अजीब सा वो हो रहा है कि ना कुछ भी नहीं आया इसमें, आना चाहिए था। मे बी मैंने डिप्लॉय सही तरह से ना किया हो। मैं एक दफा और डिप्लॉय का बटन प्रेस करता हूँ, क्योंकि ये एपीआई मेरी हिट हुई है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना सक्सेस का ना उसका। जो रिप्लाई हम देखना चाह रहे हैं अभी, वो एक्सियोस के जरिए आएगा। There was a problem with the requested skills response. अच्छा, अब हुआ है कुछ। या तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए या तो एरर आ जाना चाहिए, मेरे बगैर इसमें दोनों नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि ये क्या है। अच्छा, एरर आ गया अभी, ये चलो अच्छी बात है ना, एरर आ गया, पता चल गया हमें। रिक्वेस्ट फेल्ड विद कोड 403, ठीक है। जो हमने एक्सियोस से जो रिक्वेस्ट की थी ना, वो फेल हो गई है, 403 आ गया। अच्छा, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मैं क्लास को अभी एंड करूंगा। हमारे पास कोड बिल्कुल सही चल चुका है, लेकिन ये जो एपीआई मैंने कॉल की है, क्योंकि मुझे बिल्कुल एन मौके पे पता चला है कि ओपन वेदर एपीआई ने ना अपना वो चेंज कर दिया है। पहले ओपन वेदर एपीआई में क्या होता था कि सिटी का नाम इनपुट देते थे आप और आपको वेदर मिल जाता था, लेकिन अभी उन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से कर दिया है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोई ऐसी एपीआई तलाश करता हूँ जिसमें सिटी का नाम दूं और वो डेटा दे दे। ये रैपिड एपीआई मैंने कभी पहले यूज नहीं की है, ये पहली दफा यूज कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोई प्रॉब्लम कर रहा हो मे बी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। इतने में ये कोड मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपोर्ट करूंगा ना यहाँ से, तो ये डाउनलोड स्किल, राइट। तो
तो ये पूरी स्किल डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं आपको वो गिटहब की रिपोजिटरी में पुश कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो कोई आप में से ना प्लीज व्हाट्सएप के ग्रुप में ना रिपोजिटरी का लिंक शेयर कर दीजिएगा कोई एक बंदा ना, या मैं खुद ही कर दूंगा बल्कि। तो ये कोड पूरा ना उसके अंदर आपको मिल रहा होगा, राइट? तो जहां तक मैंने कोड किया हुआ है वहां तक आप देख कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में आप एक वेदर की ऐप ना इसी पूरी तैयार हो जाए आपसे, ओपन वेदर एपीआई से या कोई भी एपीआई तलाश कर लीजिएगा फ्री, ठीक है जी? तो यहाँ पे मैं क्लास को एंड करता हूँ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी अगली क्लास में।